आरआरबी महेंद्र घाट 2002 वाला। अच्छा सोहेल नहीं आया आज, आएगा? चलो आएगा, तब तक आ जाएगा। पहला फैक्ट है इसका, सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईस्वी के पास की थी। लगभग इसका जो काल बताया गया है कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर 2500 बीसी बताया गया है। एक्चुअली इसका जो वास्तविक काल है वो 2350 बीसी, 2350 बीसी से 1750 बीसी तक आपकी जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है वो सभ्यता रहती है। इसके बाद 250 साल का गेप आएगा और क्या आ जाएगी आपकी ऋग्वेदिक सभ्यता 1500 बीसी में। हाँ, इसके पतन के बहुत सारे कारण हैं। इसके पतन के जैसे कि कुछ विद्वान कहते हैं कि बाढ़ के कारण आया, कोई कहता है सूखे के कारण आया, एक विद्वान कहते हैं कि भूतात्विक परिवर्तन के कारण जो है सिंधु घाटी की सभ्यता विनाश के कारण विनाश हो गई, और कुछ लोग कहते हैं आर्यों के आगमन के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन हुआ। ठीक है, तो हम ये परफेक्टली जान नहीं पाए हैं कि आखिर कैसे हुआ है। ठीक है, जैसे आपके मोहन जुदाड़ों से एक साथ यद्रच्छया 40-50 शव मिले हैं इधर उधर कटे फटे से मरे हुए, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि दबने के कारण की मौत हुई या किसी बाहरी आक्रमण के कारण मौत हुई, पर किसी भी शव के ऊपर कोई भी घायल शव नहीं मिला है, तो यूं भी नहीं कह सकते कि युद्ध हुआ है ना, कयास है। अगला फैक्ट है आपका, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। क्लियर, अब बहादुर शाह जफर जो था वो 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता था। ठीक है, दिल्ली से इसने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, और जब क्रांति असफल हुई तो बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून भेज दिया गया। रंगून कहाँ पर है? रंगून म्यांमार में, म्यांमार वाला मेरे पिया गए रंगून। ठीक है, तो रंगून कहाँ पर है? म्यांमार, वहाँ भेज दिया था इसको। अकबर का राजस्व मंत्री जो था वो टोडरमल था। जब अपन अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल के बारे में बात करते हैं तो ये पहला व्यक्ति है, ठीक है, ऐसे दो ही हिंदू हुए हैं भारत के अंदर, एक टोडरमल और हेमू, जो प्रधानमंत्री पद तक पहुंच पाए। तो अकबर का टोडरमल प्रधानमंत्री था, राजस्व मंत्री जिसका पद प्राप्त था, और एक हमारा हेमू। ठीक है, हेमू जो था वो इससे भी आगे बढ़ जाएगा और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम हिंदू भी हो जाएगा। ठीक है, उसको अपन बाद में देखेंगे, अभी अपन देखते हैं। संसद द्वारा अनुमोदित होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह तक लागू रह सकता है। ठीक है, संसद द्वारा अनुमोदन होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल 6 महीने तक रहेगा, ऐसी बात है। राष्ट्रीय आपातकाल कौन से आर्टिकल में है? 352 में। ठीक है, राज्य में आपातकाल 356, वित्तीय आपातकाल 360, 52, 56 और 60 याद है? नहीं याद है तो निकलो, 52, 56 और 60, 352, 356, 360। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से संसद के परामर्श पर राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद पर कौन हटाएगा? संसद के परामर्श पर राष्ट्रपति हटाएगा। ठीक है, और इसको हटाने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो होती है महाभियोग जैसी प्रक्रिया। क्लियर, याद है प्रक्रिया? देखो ये प्रक्रिया ऐसा होता है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाना है तो सबसे पहले आपके पास एक युक्तियुक्त कारण होना चाहिए कि आप इसको क्यों हटा रहे हैं। तो इसको हटाने के 2 कारण बताए गए हैं, तीसरा कोई भी कारण नहीं है। पहला कारण है कि संविधान का कदाचार किया हो या फिर पद पर रहने के लिए असमर्थ हो गया हो, तो 2 आधारों पर, संवैधानिक कदाचार और असमर्थता, इन 2 आधारों के अलावा कोई और आधार बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कैसे हटा सकते हो? साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर। कदाचार इन द सेंस कि आपने कोई ऐसा काम किया जो आपकी ड्यूटी से बाहर था। ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो और आपका काम है कि आपको ये काम करना था और आपने ड्यूटी से हटकर, कर्तव्य से हटकर कोई काम किया, आपने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, तो आपने संवैधानिक कदाचार किया, तो आपको हटा सकते हैं। अच्छा, अब संवैधानिक कदाचार किया गया है ये बात तय कौन करेगा? तो यहाँ पर क्या होता है, आपकी संसद ये तय करेगी कि संवैधानिक कदाचार हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए सबसे पहले प्रस्ताव आएगा। ठीक है, संसद के सामने कोई भी व्यक्ति प्रस्ताव लेके आएगा, उस प्रस्ताव का समर्थन किया जाएगा। जैसे प्रस्ताव का समर्थन हो जाता है तो यहाँ पे समर्थन होने के बाद एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो 3 लोगों से मिलकर बनेगी। उसमें एक होगा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, एक होगा विपक्ष का नेता और एक न्यायिक क्षेत्र का महान व्यक्ति। ये जो 3 लोग हैं ये जांच करेंगे और जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट क्या करेंगे, उसी सदन में प्रस्तुत करेंगे जहां पर वो प्रतिवेदन आया था। जैसे मान लेते हैं लोकसभा में आया तो लोकसभा के अंदर प्रतिवेदन की जांच होगी और उसके बाद का आगे कार्रवाई होगी। अब लोकसभा अगर उसको पास कर देती है तो ये बिल
राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा भी अगर उसको पास कर देती है तो ये दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति पर जाएगा, और राष्ट्रपति जैसे ही साइन कर देता है वैसे ही आपका सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस पद पर नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हो गई महाभियोग जैसी प्रक्रिया। क्लियर। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 80% होती है, तो सबसे बड़ा तो तत्व है आपके शरीर में वो है जल तत्व। क्लियर। और जल तत्व की वजह से मैं आपको एक और बात बता दूं कि जैसे भी बाहर पानी गिर रहा है, बारिश का मौसम है, आपको आलस आता है, बिस्तर में सोने का मन करता है, बॉडी में जल है और बाहर भी जल है, तो जल तत्व को बहुत आकर्षित करता है और ये आलस देता है। वहीं गर्मी हो तो बिस्तर में सोने का बिल्कुल मन नहीं करता, उत्साहित रहते हैं। ठीक है, तो गर्मियों में ही आपकी एग्ज़ाम्स होती हैं। क्लियर। पर ऐसा होता है कि जब आपको आराम या ठंड मिले तो ऐसा होता है। ठीक है, अगर आपको जल तत्व जब भारी होगा इससे डिप्रेशन भी बढ़ता है, यही वो मौसम है जिसमें आप हाईली डिप्रेस्ड रहते हैं। क्लियर, सबसे ज़्यादा आत्महत्याओं का मौसम यही है। क्लियर, अब आपको डिप्रेशन होगा, आपके दिमाग के अंदर भारीपन आ जाएगा और आप ज़्यादा सोच नहीं पाएंगे, तो ये डिप्रेशन का भी दौर हो जाता है जल तत्व की वजह से। आगे बात करते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है प्यूटिटरी ग्लैंड होती है, और सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लीवर है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यकृत। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा, बोन मेरो में। व्हाइट ब्लड सेल्स कहाँ बनती हैं, बोन मेरो में। लिम्फा नोड एवं प्लीहा में होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा, लिम्फा नोड एवं प्लीहा, यही सब में व्हाइट ब्लड सेल्स बनती हैं आपकी। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली पहली महिला कौन सी थी, सौदामिनी देशमुख, इसको लाइट अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, वैसे तक खास नहीं है फैक्ट, कभी पूछेगा नहीं। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,850। ये है हमारे बड़े नासा वासा के द्वारा जो बना के देते हैं ये वो वाला आंकड़ा है, पर नेपाल में अभी भी इसकी आधिकारिक ऊंचाई कितनी है, 48 ही है, उन्होंने माना नहीं है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, 25-25 किलोमीटर, और चौड़ी जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, वन महोत्सव की शुरुआत 1950 के दौर में हुई थी, किसने की थी, एम मुंशी ने, के एम मुंशी। अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल बहुत फेमस है, ये चिली में है, और चिली कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, चिली दक्षिण अमेरिका। ठीक है, 180 है, ग्रीनविच इंग्लैंड से होकर गुजरती है। ठीक है, कल ग्रीनविच वाला पढ़ा था अपन ने, ग्रीनविच, ये तो गलत लिखा हुआ है, फिर फैक्ट बहुत गलत है, मेरे यहाँ तो 180 वर्ड है, आपके इसमें भी 180 है और ग्रीनविच भी लिखा हुआ है, ग्रीनविच है तो ग्रीनविच काट दो, ग्रीनविच अगर रखना चाहते हो तो 18 काट दो। ठीक है, ग्रीनविच जो है वो 0 देशांतर है और वो मानक समय रेखा है। ठीक है, और जो आपका 180 है वो मानक तिथि रेखा है, वो सागर से होके गुजरती है, वो किसी ज़मीन से तो गुजर ही नहीं सकती, तो ग्रीनविच तो इंग्लैंड में है। क्लियर, तो क्या लिखा हुआ है, हाँ ग्रीनविच नहीं है। ठीक है, तो ये ग्रीनविच वर्ड हटा दो यहाँ से, इंग्लैंड भी हटा दो। क्लियर, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन एक प्रकार क्या है, हार्मोन्स, जो क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्लियर, खा लेता है, एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। पृथ्वी के विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश सदैव समान रहता है, इसका मतलब है यहाँ पे दिन रात बराबर रहते हैं। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों एक पद रिक्त हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, समझ रखा है तो आपने। ठीक है, साइलेंट वैली, मृत घाटी, ये जो है आपके केरल में भी है और यूएसए में भी है। हुंडू प्रपात, स्वर्ण रेखा नदी रांची पर बना हुआ है, तो हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर है, इसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, पूछा गया है कई बार स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात। यूनेस्को कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन सी,
वेलेंटिना तिरोस्कोवा, ये कई बार पूछा गया है और इसके साथ में ऑप्शन रखेगा वो आपके सामने, पहली बार इंग्लिश चैनल को पार करने वाली, माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली और अंतरिक्ष में जाने वाली, ठीक है। तो ये तीनों महिलाएं पहली पहली हैं और आपको तीनों पता है यार, ये भी फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है, क्या लगाऊं, ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाओगे। असत्य फल, फॉल्स फल क्या होता है, जिसमें बीजांड से तथा सत्य फल कहाँ से निकलता है, अंडाशय से उत्पन्न होता है, ठीक है। किसी को समझ में आया इफेक्ट? बताओ क्या होता है। अच्छा, बीजांड क्या होता है और अंडाशय क्या होता है फूल के अंदर? आपने अनार देखा है और आपने सेब भी देखा है और जामफल भी देखा है। अपन ने जो देखा है वो देखते हैं, जामफल देखा है आपने, अनार देखा है, और कौन कौन से फल उगते हुए देखे, संतरा, संतरा भी देखा है, संतरे का खेत में, और कौन सा फल देखा है, आम देखा है, पपीता देखा है, ठीक है। अब अपन देखते हैं बीज आंड, ठीक है, कि आपका असत्य फल कहाँ से निकलता है, बीजांड से, तथा सत्य फल कहाँ से निकलता है, अंडाशय से। तो जहाँ पर भी आपका बीज का पुष्पासन होता है, ठीक है, पुष्पासन के ऊपर जो कलंगियाँ रहती हैं, जहाँ पे आपके जो बीज अंडाशय हुआ करता है, वहाँ से वो फूल जाता है, नीचे का हिस्सा जो आपका पुष्पासन है वो नीचे से बड़ा होने लग जाता है। जैसे अनार, अनार के ऊपर कंगूरी रह जाती है, वो नीचे से बड़ा हो जाता है, पॉमग्रेनेट। तो ये कैसा हो गया, सत्य फल। और ये जो बीजांड वाला है, ये आपका असत्य फल होता है, मतलब ये ऊपर के जो बीज होते हैं वो उसके आसपास में फैल जाता है, जैसे आपका संतरा हो गया या इस प्रकार की चीज़ें, ठीक है, पर वो फ्रूट्स में आते हैं। एग्जैक्ट मुझे इसका उदाहरण याद नहीं आ रहा है, पर लगभग लगभग कुछ ऐसा ही है, ठीक है। अगला फैक्ट क्या है, गुप्त वंश साहित्यिक कृतियों के संरक्षण के लिए विख्यात था। अच्छा, गुप्त वंश को स्वर्णकाल कहते हैं, तो साहित्य का स्वर्णकाल कहलाता है, ठीक है, और किसी का नहीं। अगला क्या है, डेमेट्रोलॉजी, त्वचा और इसकी बीमारियों का अध्ययन है। तो जो आपके पास स्किन का डॉक्टर है उसको आप क्या कहते हो, डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। गायनोकोलॉजिस्ट क्या होता है, ठीक है, याद रखना, याद है कि नहीं याद है, गायनोकोलॉजिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ, ठीक है। हड्डी वाले को क्या कहते हैं, हड्डी वाला डॉक्टर को क्या कहते हैं, और जो नॉर्मल डॉक्टर होता है उसको झूला साहब डॉक्टर। चलो अगला पढ़ते हैं, मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, कोडई कनाल में। कोडई कनाल कहाँ पर है, तमिलनाडु में। वास्को डी गामा भारत में कब आया था, 1498 में। कहाँ पहुँचा था, कलिकट पहुँचा था। अलबुरुनी मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में का इतिहासकार है, ठीक है, किसका, अलबुरुनी किसके साथ भारत में आया था, मोहम्मद गजनी के साथ में। पंडवाणी छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक नृत्य है। अष्ट छाप के संस्थापक कौन थे, स्वामी विट्ठलनाथ। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया, आर्किमिडीज। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश हिंदी में, लॉ ऑफ फ्लोटिंग, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, कहाँ काम में आएगा, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। चलो मेरे को भी नहीं आ रहा, बताओ आर्किमिडीज का सिद्धांत। हाँ, लिफ्ट वाला, ऐसा कुछ होगा, लिफ्ट तो करता है पर ये जहाज को करता है। उत्प्लावन बल का सिद्धांत पता है, आप पानी में हो और आप जितना पानी हटा दोगे अपने वजन के बराबर तो आप तैरोगे। तो कोई भी जहाज अगर पानी के अंदर तैर रहा है, मतलब वो अपने वजन के बराबर पानी हटा रहा है, ठीक है, ये उत्प्लावन बल का सिद्धांत है। ये क्या है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग। तो आप फ्लोट कब करोगे पानी के ऊपर, कब पानी के ऊपर फ्लोट करोगे, तैरना मतलब फ्लोटिंग है ना, तो आप तभी फ्लोट करते हो जब आप उतना पानी हटा देते हो जितना आपका वजन है, ठीक है। तो ये है आपका लॉ ऑफ फ्लोटिंग, याद रखना, आर्किमिडीज। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, उत्प्लावन बल, लिख लो वहाँ पे, उत्प्लावन, फ्लोटिंग मतलब उत्प्लवन, उत्प्लवन का सिद्धांत। भारत के किस राज्य में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी, सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश की थी। वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में स्थित है और ये क्या है, एक स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, वॉल स्ट्रीट क्या है, एक स्टॉक एक्सचेंज है।
अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति सैनिकों के भले के लिए लागू की थी। क्या होता है ये मूल्य नियंत्रण नीति, जिसको बाजार नीति भी बोलते हैं? बाजार नीति किसने स्टार्ट की थी? मोदी जी वाली नीति है क्या ये? अभी जो मोदी जी ने क्या था मूल्य नियंत्रण वाला, वो तो नहीं है ना? हाँ, ये जो मूल्य नियंत्रण नीति है इसके बारे में आपको बता दूं, अलाउद्दीन ऐसा शासक था जिसने घोड़े के हुलिया और दाग प्रथा भी शुरू की थी। ये घोड़े को भी पहचानता था और घोड़े के सवार को भी पहचानता था कि भैया ये घोड़ा किसका है, तो इस पर ठप्पा लगा दो और सवार जो है उसका नेम नक्श लिख लो ताकि बार बार रिपीट नहीं हो अपने पास। तो इससे हमारे पास घोड़े कितने हो जाएंगे वही समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास सेना होनी चाहिए, एक स्थायी और एक मजबूत और एक बड़ी सेना। स्थायी, बड़ी और मजबूत सेना के लिए आवश्यक आधारभूत क्या है? खाना, रोटी, कपड़ा, मकान। और रोटी, कपड़ा, मकान अगर महंगा मिलेगा तो खरीदेगा कैसा? और अगर महंगा मिल रहा तो मुझे तनख्वाह ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, हम बाज़ार व्यवस्था लेके आते हैं। बाज़ार के अंदर शासन का पूर्णतः नियंत्रण रहेगा। शासन बोलेगी कि आज से जो गेहूं के भाव ये रहेंगे, चावल के ये रहेंगे, शक्कर के ये रहेंगे, तो बाज़ार में बिकने वाली हर एक वस्तु की दाम इसने तय कर दिए। आपको इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं तोलना, ठीक है? इसके अलावा इसने बोला कि अगर किसी व्यापारी ने कम तोला तो उतना तोल देंगे उसका मांस, ठीक है? जितना अगर आधा किलो देना था उसने 250 ग्राम ही दिया तो 250 ग्राम मांस तोल दो इसका, ठीक है? तो इस प्रकार से इसने कठोर नीति लगाई, तो इसने बाज़ार के अंदर जो होने वाला भ्रष्टाचार था उसको भी कम कर दिया। अब सैनिकों को अगर ये 10 रुपये भी दे रहा है तो 10 रुपये का सैनिक क्या कर रहा है? भरपेट खाना भी खा ले रहा है और अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर देता है। कारण, क्योंकि बाज़ार के अंदर पैसा जो है वो सूटेबल है उसके पास, ठीक है? सामान इजी वे में खरीद पा रहा है। मालूम पड़ा तनख्वाह 100 रुपये और सामान 1000 रुपये का लगता है महीने का, तो कैसे काम चलेगा? तो इसने बाज़ार नीति चालू की थी। तो बाज़ार नीति बहुत अच्छी थी इसकी, ठीक है? तो ये बाज़ार नीति के लिए फेमस है। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। भारतीय सिविल सर्विसेज, क्या बोलते हैं इसको, ICS, कार्नवालिस के समय में चालू की गई थी। लॉर्ड कार्नवालिस ने ICS की एग्ज़ाम चालू की थी और इसके लिए जो मिनिमम एज थी वो कितनी कर दी थी? 21। फिर बाद में उसको घटा के 19 भी कर दी थी और फिर बहुत सारा बवाल क्रिएट हुआ था कि आप ये ICS की एग्ज़ाम को केवल 21 साल तक के लड़कों के लिए सीमित कर रहे हो, 22 साल के लिए हो गए तो आप एलिजिबल ही नहीं हो। समझ में आया मैं क्या बात कर रहा हूँ? जैसा SI के लिए 28 साल है एलिजिबिलिटी, ठीक है? कि अगर आप 28 के ऊपर हो गए तो आप SI नहीं बन सकते, क्लियर? आर्मी की 25 साल है मान लेते हैं, तो अगर आप 25 साल के पार के हो गए तो आप बन ही नहीं सकते, आर्मी में जा ही नहीं सकते, NDA CDS कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे कलेक्टर बनने की जो एज थी उस ज़माने में वो 21 साल थी, कि आप 21 साल तक ही कलेक्टर बन सकते हो। जैसे 22 साल के हो तो आपको एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिलेगा। एग्ज़ाम देने आपको जाना है ब्रिटेन, वो लिखित एग्ज़ाम होगी। समझ में आ गया? तो कितना कठिन काम हो जाता है कि एक तो आप छोटी उम्र के हो, आपको पढ़ाई भी पूरी करनी है, इज्जत से पढ़ाई करनी है, कोई कोचिंग भी नहीं है, और आपको एग्ज़ाम देने भी कहाँ जाना है? ब्रिटेन। और वहाँ पर कॉपी भी अंग्रेजी चेक करने वाला है और उसको पता है कि आपका नाम रामलाल है, ठीक है? तो कितनी समस्या हो गई और फिर भी आपने टॉप कर लिया, तो बड़ी बात हो गई। तो ऐसे थे हमारे सुभाष चंद्र बोस, क्लियर? 19 साल की उम्र में बन गए थे, बाद में इसकी एज 19 कर दी कि अब 19 साल वाला ही व्यक्ति कर पाएगा। आप सोचो 19 साल के 20 के हो गए तो आप कलेक्टर के एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हो, कितना कंपटीशन बढ़ा दिया इन्होंने। तो ये वाली चीज़ थी। बाद में रचना, यामा जो है वो किसकी रचना है? महादेव गोविंद याना, और इससे क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। महेश्वर अहिल्या बाई होलकर की राजधानी थी, याद रखना ये महेश्वर, क्योंकि आपके प्रश्न आएगा देवी अहिल्या की राजधानी क्या थी, तो इंदौर भी ऑप्शन में होगा, ठीक है? तो वहाँ पे क्या लगाना है? महेश्वर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर। गोवा भारत का 25वां राज्य था। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 36 में हुई थी, ठीक है? आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण सबसे पहले दूरदर्शन कब चला? 1959 में। नोबेल पुरस्कार 1901 में आरंभ किया गया था। मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ है, ठीक है? और ये जो दौर है, ये दौर है आपका पुष्यमित्र शुंग का दौर, याद रखना। मौर्य काल ख़त्म हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग के काल में ये मनुस्मृति लिखी जाएगी। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता के विषय में बात की गई है। अच्छा, 25 से 28 में अगर धार्मिक स्वतंत्रता है, ठीक है, तो ये बताइए कि आर्टिकल 21 में क्या है?
आर्टिकल 21 8 से 14 क्या आर्टिकल 21 क्या आर टी ई राइट टू एजुकेशन वो तो 21 ए है मैं पूछ रहा हूँ आर्टिकल 21 आगे आगे पार्ट पीछे सपाट आर्टिकल 21 है प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें आपको जीने का अधिकार है मरने का अधिकार नहीं है और जीने के अधिकार के अंतर्गत आपको अच्छी पानी अच्छी हवा अच्छा सोना अच्छा खाना अच्छा पीना अच्छा रहना सब आता है और सब सरकार से आप मांग सकते हो घर नहीं सरकार से मांग लो ठीक है नौकरी नहीं सरकार से मांग लो नींद नहीं आ रही सरकार को बोलो कि भैया शोर शराबा कम करवाए ठीक है अच्छा पानी नहीं मिल रहा सरकार को बोलो पानी पिलाए ठीक है भूख लग रही सरकार को बोलो खाना खिलाए खिलाएगी आपको नौकरी मांग सकते हो आप सरकार से कि साहब दो हमको नौकरी ठीक है पर यहाँ पे फिर आ जाता है नौकरी देना राज्य के नीति से तत्वों में वो कहती है कि हम सक्षम नहीं है साहब अभी इतनी वैकेंसी है कॉम्पिटिशन फाइट कर लो ठीक है पढ़ना है जीवन जीने के लिए पढ़ना भी पड़ेगा तो आर्टिकल 21 ये बना दिया है पढ़ाई करो उसमें ये है कि आपको प्राथमिक शिक्षा तक आपको मुफ्त कराई जाएगी 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है वो 6 से 14 है ठीक है और आर्टिकल 23 क्या है अच्छा बलात्श्रम और कारखानों आदि में प्रतिबंध ठीक है एक आर्टिकल 23 है और एक आर्टिकल 24 है अच्छा आप मुझे बताओ आर्टिकल 17 क्या है 18 आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 28 पढ़ो घर जाके रिवीजन करो बहुत अच्छे से लिखा है अपन ने चलो आगे रटते हैं प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता किसको कह देते हैं मनु को समुद्र पृथ्वी का लगभग कितने परसेंट है 71% रुपए का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया शेर शाह सूरी ने और ये कौन सा था अफगान था याद रखना बार बार अफगान बोलता हूँ मैं पित्त जिसको कहते हैं बाइल ये कहाँ से निकलता है यकृत से तो पित्त का स्त्राव कहाँ से होता है यकृत लीवर से मानव शरीर में रक्तचाप एड्रिनल ग्लैंड द्वारा नियोजित होता है आपकी एड्रिनल ग्रंथि जो है वो अगर गड़बड़ा जाएगी तो आपका रक्तचाप घट जाएगा या बढ़ जाएगा ठीक है लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है मुद्रास्फीति ठीक है लगातार चीज़ों महंगी होती जा रही हैं तो मुद्रास्फीति हो जाएगा ठीक है शिवाजी की माँ का नाम क्या था जीजाबाई नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का था फ्रांस का मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की दिल्ली से देवगिरी ये इसकी बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना थी पर यह असफल हो गई देवगिरी स्थानांतरित करने के पीछे का कारण ये था कि मोहम्मद बिन तुगलक ये जानता था कि मैं एक बहुत बड़े साम्राज्य का राजा हूँ और मुझे इसको देखने के लिए इसको हैंडल करने के लिए इसके सेंटर पॉइंट में होना चाहिए दिल्ली उत्तर में है मैं साउथ में अपनी पकड़ कमज़ोर कर देता हूँ तो मैं एक ऐसी जगह अपनी राजधानी ले जाऊँ जहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए तो इन्होंने क्या करा देवगिरी को अपनी राजधानी बनाने के लिए चुना और दिल्ली के सभी घरों को रातों रात खाली करवा दिया और बोला कि चलो हमारे साथ तो सभी लोग यहाँ पर आ गए यहाँ पर लगभग ये 2-3 साल रहे और यहाँ पर रहने के बाद इसके जो मंत्री लोग थे सैनिक लोग थे सेनापति थे इन सबको देवगिरी जमानी क्योंकि गर्मियों में बहुत गर्म हो जाता था ये इनको दिल्ली में रहने की आदत थी अब जैसे ही यहाँ पर आए ना इनको खाना जमाना पानी जमाना कोई व्यवस्था नहीं जमी तो इनको यहाँ से छोड़कर वापस दिल्ली जाना पड़ा परंतु देवगिरी इतनी अच्छी जगह थी कि ये पूरे प्रशासन के ऊपर काबू रख सकते थे क्लियर तो ये वापस से इनको देवगिरी से वापस दिल्ली जाना पड़ा तो ये योजना भी फेल हो गई सुना एक और सुना होगा कि खुरासान के युद्ध में क्या हुआ था कि उनका जो चार बच्चे थे चारों बच्चे आपस में लड़ रहे थे ज़मीन के लिए और इसको लगा कि चलो अपन भी युद्ध करने चलते हैं वहाँ पे तो इन्होंने सेना बनाई सेना बनाने की युद्ध करने की जैसे तैयार हुआ तो वहाँ पे मालूम पड़ा कि उत्तराधिकार का युद्ध ही समाप्त हो गया तो सैनिकों को जो अग्रिम वेतन के रूप में से 3 लाख रुपये दिए थे वो भी डूब गए इसके क्लियर फिर उन्होंने तांबे की मुद्रा चलाई थी तांबा और टीन की वो भी परियोजना चली गई दो आप क्षेत्र में इसने
टैक्स घटा दिया था और टैक्स बढ़ा दिया था, वो वाली योजना भी फेल हो गई। कुल मिला के इसने बंजर भूमि को बनाया था, रेगिस्तान को वापस हरी भूमि करने के लिए पैसा दिया था खजाने से, तो किताबों पे तो हरे हो गए पर वास्तविकता में हरे नहीं हो पाए। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं थी। सांकेतिक मुद्रा चलाई तो वो भी फेल हो गई। मतलब इसको कहते हैं कि समय से पहले पैदे होने वाला विद्वान, ठीक है, और इसको कहते हैं मूर्खों का बादशाह। पर ये मूर्खों का वास्तविक बादशाह नहीं है, ये बहुत दिमाग वाला था पर समय से पहले पैदा हो गया। और इसका एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम थी। इसकी पॉलिसी आज जितनी भी पॉलिसी चला के गया है सारी भारत सरकार कर रही है। सांकेतिक मुद्रा हम चलाते हैं, बंजर भूमि को उपजाऊ हम बनाते हैं, जब भी कोई देश का जिसमें बांग्लादेश जैसा का जब झगड़ा होता है तो हम जाके कूद जाते हैं, ठीक है। हमारे पास जो राजनीतिक स्तर पे हमने विकेंद्रीकरण करा है सत्ता का, राजधानी का, पहले कलकत्ता थी फिर दिल्ली में स्थानांतरित करके पूरे देश को चला रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम जो है दो आपके क्षेत्र में टैक्स अच्छा वसूल करते हैं, जो सेक्टर अच्छा काम करता है उससे हम ज़्यादा टैक्स लेते हैं और जो नहीं करता उससे कम टैक्स लेते हैं। तो सारी योजनाएँ हम चला रहे हैं आज भी, पर इसका एग्जीक्यूशन हम अच्छे से करते हैं ये बेचारा कर नहीं पाया। इसके लोग मट्ठे थे, अब राजा तो सब काम करेगा नहीं, ठीक, ऐसा हो गया। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, कंटोसोम कहलाती है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डायलिसिस। हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन किया जाता है, हिस्टोलॉजी याद रखना, ऊतक विज्ञान, हिस्टोलॉजी ऊतक का अध्ययन। प्राचीन सांख्य दर्शन, ठीक है, किसका था, कपिल मुनि का। योग दर्शन किसका था, मीमांसा, मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन है ना। योग पतंजलि का, हाँ, मीमांसा किसका, उत्तर मीमांसा और दक्षिण मीमांसा, दो ओवर है फिर, एक बादरायण और एक जैमिनी, अब बताओ कौन सा किसका है, ठीक है। वैशेषिक दर्शन किसका है, जैमिनी का, मीमांसा हो गया है ना। और वैशेषिक दर्शन कणाद का लिखाया था ना, कपिल की संख्या, गौतम का न्याय, मिलकर कणाद को विशेष और जैमिनी को मांसाहारी बनाते हैं, याद करवाया था, सुना है पहले कभी ये लाइन, तीन बार बोली होगी मैंने लगभग, सुनी ना, सुनी कि नहीं सुनी, नहीं सुनी, ठीक है। तो याद करो इसको, कैसे भी याद करो पर याद करो। मानसून का कारण क्या है, हवाओं का मौसम उत्क्रमण। मानसून का कारण क्या है, हवाओं का मौसम उत्क्रमण। अच्छा एक बात बता दूं, एग्जाम्स को हल्के में मत लेना, ठीक है। मैं भी किसी एग्ज़ाम को हल्के में नहीं लेता हूँ, मगर मान लूँ कि मुझे सब कुछ आता है तो मेरे नंबर आएंगे 65 और कट ऑफ जाएगा 66, ठीक है, समझ में आ गया। और जब मैं मान लेता हूँ कि नहीं यार मेरे को पढ़ाई करनी है तो कट ऑफ से एक या दो नंबर ऊपर आते हैं, समझ में आया। इतनी मेहनत करने के बाद भी जब अपने को रैंक, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत मेहनत करता है भले उसमें नॉलेज नहीं है पर उसने उस एग्ज़ाम के लिए 6 महीने मेहनत करी, ठीक है, तो वो आपसे ज़्यादा आगे। आप ये नहीं कह सकते कि यार इसके पास तो नॉलेज नहीं था फिर भी अधिकारी बन गया, पर उसने जो मेहनत चाहिए थी वो 6 महीने में उसे परफेक्ट कर ली। तो या तुम नॉलेज के लिए पीछे भाग जाओ या फिर मेहनत कर लो। तो मैं ये कहूँगा मेहनत करो, मेहनत ही आपको पोस्ट दिलाएगी। उसके बाद कोई पूछेगा नहीं कि कौन किसकी मीमांसा और कौन किसका वैशेषिक, ठीक है, कौन किसका दर्शन, सबको जाने दो, तनख्वाह लो और ऐश करो, यही है ना जीवन का सार, फिर पैसे उड़ाओ और क्या, उड़ाओगे क्या, समस्या आ जाएगी। पता है एक LKG UKG के बच्चे को स्कूल में भेजने की फ़ीस कितनी है, नॉर्मल अच्छे ढंग के 25,000 मेरे हिसाब से, अगर थोड़े भी ढंग के आप स्कूल में भेज रहे हो उसको, और ज़्यादा अच्छे में भेज रहे हो तो 1-1.5 लाख रुपए है ना, बढ़िया वाले में, या फिर सरकारी में पढ़ाओगे तो ऐसा काम। और फिर अगर 5वीं 6वीं में पहुँच गया तो उसकी फ़ीस, समझ में आ गया, हालतें ख़राब हो जाएंगी। अब आपके डेली यूज़ के जो खर्चे हैं ना, वो भी अगर एक फैमिली का जो खर्चा होता है वो निकालोगे तो उसको कमाने के लिए कम से कम 55,000 रुपये होने चाहिए आपके हाथ में, ऑन हैंड 55,000, तब जाके आपका घर अच्छे से चलेगा, समझ में आ गया। तो ये है पूरा प्रोसेस जीवन का, कि आप ऐसी नौकरी करो जिसमें 55,000 तो आए, या फिर ऐसी नौकरी करो जिससे 20-25,000 भी आए और 55 में कन्वर्ट कर पाओ, कोई धंधा स्टार्ट करो या कुछ भी करो, ठीक है। तो यही है कि अगर आप
पीएससी निकालते हो, डायरेक्ट डीएससी डिप्टी कलेक्टर बनते हो, तो आपके 55-56 हज़ार तो ट्रेनिंग में कहीं नहीं गए, ठीक है। अगर आप नॉर्मल बाबू ही निकाल लेते हो तो 30-35 हज़ार कहीं नहीं गए, कम से कम दूसरे काम तो हो ही जाएंगे, ऊपर से कमा लेना 20-25, ठीक है। कांस्टेबल बनते हो तो 18,000, 19,000, 20,000 कहीं नहीं गए, ऊपर से कमा लेना। ऐसा ही बन गए तो ठीक है, सम्मान का सम्मान, पैसा का पैसा और गालियाँ की गालियाँ। घर परिवार भी गालियाँ देगा, समाज भी गाली देगा, जो चोर आया मुजलिम आया वो भी गाली देगा, जांच करने वाला भी गाली देगा और अधिकारी भी गाली देगा। डिपार्टमेंट में जाओ पुलिस वाले को सबसे ज़्यादा गालियाँ मिलती हैं, ठीक है। अच्छा TI बन गया, उसके बाद DSP गाली बकेगा, SP गाली बकेगा, है ना। तो वो ठीक है, हर हर जगह होता है, आपके ऊपर बॉस हर जगह होता है। ऐसा होता है कि अगर आपके क्षेत्र में, जैसे हमारे एक अंकल हैं, वो अब तक ASI से TI नहीं बन पा, वो ASI के ASI रह गए। उनके एरिया में किसी बच्चे को किडनैप करके मार के जंगल में फेंक दिया, उनके नाम पे आ गया। कोई लूट चोरी हो गई, वो उनके माथे आ गई। आप उस जगह के इंचार्ज हो ना, तो आपकी पूरा दायित्व बनता है। और ये हो गई, क्राइम आपसे रुकने वाला नहीं है, ठीक है। पहले क्राइम होते थे पर आबादी कितनी थी हमारे पास, 80 लाख 90 लाख 80 करोड़, लाख के बाद करोड़ों में चलते हैं सीधे, करोड़ों में हो गई थी। और अब कितनी करोड़ है, 125-30 करोड़ हो गई हो, ठीक है। और 130 करोड़ आप जब तक अधिकारी बने हो, 150 करोड़ हो गई तो क्या कर लोगे। और फिर 150 करोड़ की जनसंख्या में आपके एरिया में क्राइम, क्रिमिनल माइंड भी बढ़ रहे हैं, FIR बढ़ रही है, ठीक है। बहुत सारी समस्याएं हैं पुलिस की नौकरी को। मैं ठीक है, पुलिस की नौकरी करनी है तो फिर IPS सबसे बेस्ट, DSP, वो बड़े अधिकारी के जो मज़े हैं ना, वो आप कभी नहीं समझ पाओगे कि क्या हो। अगर आप बहुत अच्छे SI हो ना, तब जाके आपको DSP बोलेगा, अरे साहब उसको भी बुला लेंगे पार्टी में, ठीक है। और फिर आप पार्टी में जाओगे तो आपसे एक ऐसा व्यवहार किया जाएगा कि अगली बार आप खुद ही इनकार कर दोगे, सर आप इन्जॉय कीजिए, मैं नहीं आऊँगा। ऐसा मेरा दोस्त गोविंद सिंह सेंगर कई बार कर चुका, व्यवहार अच्छा है, बड़े अधिकारी भी उसको बहुत मान देते हैं, ठीक है। अब जब उसको बुलाते हैं तो मना कर देता है, क्योंकि पता है कि हम जिस व्यक्ति के बुलाने पे जा रहे हैं वो व्यक्ति तो हमसे सम्मान से बात करेगा, वो फिर बिजी हो जाएगा अपने अधिकारियों में। आप क्या वहाँ पे चाय का मग्गा लेके घूमते रहोगे, या सूप की कटोरी लेके घूमते रहोगे पार्टी में, या अकेले खाने की थाली लेके घूमते रहोगे और खा के निकल जाओगे, कौन पूछेगा आपसे। कोई IPS आके आगे से हलो करने वाला है आपसे। और अगर आप IPS हो और उस पार्टी में बहुत सारे TI हैं, बहुत सारे DSP हैं, बहुत सारे नायब तहसीलदार हैं, अधिकारी हैं, सब बोलेंगे अरे साहब कैसे हो। ये होती है रिस्पेक्ट, आपको खुद रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, आप भग जाओगे। ऐसे होता है ना, ये जीवन की सच्चाई है। इसलिए अधिकारी बनो सबसे बेस्ट, या फिर जीवन में ठीक है जो भी ओके मिल रहा है वो ओके लेते चलो। और लास्ट में गोल तो यही रखना कि बनना तो अधिकारी है, ठीक है। भले आप कांस्टेबल से स्टार्ट करो जीवन, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। क्योंकि जिस गोविंद सेंगर की बात कर रहा हूँ, उसने कांस्टेबल से ही स्टार्ट किया और आज ब्लैक हॉक का कमांडो बन गया, ठीक है। तो कमांडो बन गया, आराम से बढ़िया अच्छी सैलरी उठा रहा है, ठीक है। 2-3 लाख रुपये सैलरी मिल रही है उसको, क्योंकि वो बहुत दूर है घर से और बहुत रिस्की जोन में काम कर रहा है, ठीक है। जंगल के बैकवर्ड एरिया में कि 3 महीने हो गए पता नहीं चला कि गद्दा क्या होता है, चादर में ही सो रहे हैं, पन्नी उड़ गई, सो रहे हैं बारिश में, समझ में आया। तो पैसा भी अच्छा देती है सरकार, आप काम अच्छा कर। सियाचिन ग्लेशियर पे चले गए आप, 6 महीने तक बर्फ़ में हो, सरकार आपको 2.5-3 लाख रुपये देगी तनख्वाह, अच्छी खासी, क्योंकि घर से इतना दूर है, इतनी ऊँचाई पर इतना रिस्क उठा रहे हो, तो आपको महीने की तनख्वाह तो अच्छी मिलेगी, सम्मान भी मिल जाएगा। हाँ 6-1 महीने तक मिलती फिर वापस, पर हाँ मिलती तो है, सम्मान भी मिल जाएगा कि हाँ वो भी करके आए थे, एडवेंचर भी हो जाएगा। पर ऐसा है, फिर रोको मत अपने आप को, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। इसी बात को दे रही है आपका रिस्क। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है, 1/81। ये याद रखना, द्रव्यमान की बात हो रही है और ये द्रव्यमान ही है जो डिपेंड करता है कि उसका ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा, ठीक है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का 1/81% है द्रव्यमान में वजन के हिसाब से, तो उसका जो गुरुत्वाकर्षण वो भी 1/6% है, ठीक है। तो 1/81 और 1/6, 1/6 है आपका गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान कितना है, 1/81। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। पीसा का जो लिंगिंग टावर है वो कहाँ पर है, इटली में। क्यों फेमस है ये पीसा का टावर, एक गोल सिलेंडर है ऐसा, खड़ा खड़ा से बिल्डिंग देखी होगी आपने ना, घूमती है वो, खड़ी है
ठीक है, और उस बिल्डिंग को खड़ा ऐसा रहना चाहिए पर वो आड़ी, ठीक है, पर वो गिरी नहीं अब तक क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके इंटरनल पोल के अंदर है, तो उसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी से बनाई है इसलिए फेमस है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज, लॉर्ड वेलेजली, वेलेजली क्या कहता था अपने आप को, बंगाल का शेर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, या फिर फरवरी के अंतिम दिन, ठीक है, 28 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है। संसद के दो अधिवेशनों का समय अंतराल 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब एक बैठक हुई कंप्लीट हो गई और आपको दूसरी बैठक लेनी है, दूसरा कार्यकाल जब आएगा तो 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए, उससे पहले पहले आपको बुला लेना है अधिवेशन को। मेला अंचल किसकी कविता है, किसका है, फणीश्वर नाथ रेणु, पढ़ा है ना आपने इसको नाम। डोल ड्रम क्या है, कहाँ पाया जाता है डोल ड्रम, हमारे घर में भी डोल ड्रम पाया जा सकता है क्या, यहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र हो जाता है तो डोल ड्रम बोल देंगे क्या। अभी हमारे पास कुछ देर पहले जब सूर्य जो था वो बहुत गर्मी क्रिएट कर रहा था तो निम्न दाब का क्षेत्र हो गया था, क्या डोल ड्रम था ये, नहीं। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री नीचे का जो क्षेत्र है वो डोलड्रम कहलाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साल भर सूर्य गरम गरम गिरता है और साल भर यहाँ पे निम्न वायुदाब क्षेत्र बना रहता है, ठीक है। खेतड़ी क्या है, राजस्थान, तांबा के लिए खेतड़ी है वो, खेतड़ी जो खदान इकाई के लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द कहाँ से लिया है हमने, फ्रांसीसी क्रांति से। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द का संबंध कहाँ से है, फ्रांसीसी क्रांति। दांते ये इटली का था और इसने पुनर्जागरण काल का एक कवि था दांते। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन काल के अंतिम दिन में भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। अच्छा, दांते की जो किताब का नाम था वो क्या था, डिवाइन कॉमेडी, ठीक है, पन्ना पलटा के देख लेना, कल पढ़ा था ना अपन ने। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली और कहाँ चला गया, कहाँ गया, कौन सा बेल गोला था वो, कृष्ण बेल गोला, ठीक है, तो कृष्ण बेल गोला चला गया और वहाँ पहाड़ी पे बैठा और कौन सी विधि के माध्यम से, जैन धर्म में कौन सी विधि होती है जिसे शरीर त्याग दिया इसने, संलेखना विधि, संथारा बोल दो, संलेखना बोल दो, ठीक है, तो संथारा या संलेखना विधि से इसने अपना प्राण त्याग दिया। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है, हरिहर और बुक्का, यहाँ पे लिख लो MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये तुगलक वंश से आज़ाद हो गए थे, ठीक है, क्योंकि साउथ को जीता फिर उसने गलती कर ली, जीतने के बाद दुश्मन को ही पकड़ा दिया कि ले वही तू ही रख ले। हनुमंत राव की सिफारिश का संबंध उर्वरक उद्योग से छोड़ दो। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 1915 में लौटे थे। तालीकोट का युद्ध कहाँ हुआ था, 1565। हीलियम ईंधन तत्व नहीं है, ठीक है, हीलियम एक हल्की गैस है, ठीक है, और ये ईंधन का तत्व नहीं है, इससे कभी भी आप एनर्जी, क्योंकि आपका हाइड्रोजन जो है वो संलयित होकर एनर्जी को छोड़ता है, आपका हीलियम भी कभी कोई एनर्जी नहीं छोड़ता, हीलियम कन्वर्ट होकर भारी मेटल में बदल जाता है, ठीक है, क्योंकि सूर्य के अंदर हीलियम और हाइड्रोजन है, पर हाइड्रोजन के संलयन से एनर्जी निकलती है ना कि हीलियम के संलयन से, तो एनर्जी कौन देगा, हाइड्रोजन। रेगिस्तान के बादल निम्न आर्द्रता के कारण नहीं बरसते, ठीक है। पेट्रोलियम, प्रोपेन और ब्यूटेन का जटिल मिश्रण, पेट्रोलियम में क्या होता है आपके, प्रोपेन और ब्यूटेन। भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल कौन थी, छोड़ दो। डपलर प्रभाव, ठीक है, ध्वनि से संबंधित है। व्हाइट हॉल रोड, ठीक है, ये कहाँ पर है, स्कॉटलैंड यार्ड का कार्यालय, छोड़ो किसी को सकता नहीं। फ्यूरर किसको कहते हैं, हिटलर को कहते हैं, ठीक है, द फ्यूरर हिटलर। भारत पाक के बीच शिमला समझौता 72 में हुआ था, ठीक है, और इस शिमला समझौते में हमने बहुत सारी गलतियां की थी,
ठीक है, 71 की लड़ाई के बाद शिमला समझौता हुआ था और इसमें भारत अपना पक्ष रख सकता था बहुत मजबूत, पर वो नहीं हो पाया। सारनाथ पिल्लर जो है, सारनाथ का स्तंभ जो है वो कहाँ पर है, मौर्य वस्तुकला का उदाहरण है, और अभी इसका जो ऊपर का शीर्ष है वो कलकत्ता के म्यूजियम में रखा गया, ठीक है। इसके ऊपर का अशोक चक्र बना हुआ था ना, अशोक सिंह पत्थर का, वो उठा के हमने कलकत्ता के संग्रहालय में रख दिया। कानपुर से 1857 की क्रांति का नेता नाना साहब थे, ठीक है। अरावली पर्वतमाला पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई, बहुत लंबी चौड़ी फैली हुई है। जेम्स बॉन्ड नाम का प्रसिद्ध जासूसी कथा के जो रचनाकार है वो कौन है, फ्लेमिंग है, यान फ्लेमिंग। वैक्स म्यूजियम कहाँ पर है, लंदन में, क्या नाम है इसका मैडम, तुसार। पहले गोवा में पुर्तगीज का शासन था, बताइए आपको। प्रसिद्ध उपन्यास आधे अधूरे के लेखक कौन है, मोहन राकेश। प्रोटीन के निर्माण के लिए आधारभूत इकाई कौन सा है, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो होगा वही आपका प्रोटीन बनाएगा बॉडी के अंदर, ठीक है। और अमीनो एसिड फैट जो होते हैं खाने के, जो तेल वेल होते हैं आपकी चीज़ें, बीन्स आप खाते हो, सोयाबीन खाते हो, तो इसमें अमीनो एसिड पाए जाते हैं, वही प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। मतलब सोयाबीन को जब आप दबा के निकालते हो तो तेल निकलता है, प्रोटीन निकलते हैं क्या, है ना। असली खल खा लोगे तो क्या आप मोटे हो जाओगे, सोयाबीन का तेल निकाल दिया हमने, खल बची, खा लो प्रोटीन तो रहेगा उसमें, ठीक है। अमीनो एसिड के साथ प्रोटीन भी गया, समझ में आ गया। आगे क्या है आपका, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट पहली विदेशी थी और भारतीय है आपकी, नायडू मैडम। नारियल के भ्रूण को क्या कहते हैं, हम लोग खाते हैं, है ना, अंदर के। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, पतंजलि। समझ में आ गया, दर्शन वाले आपके पास दो या तीन बार आ गए हैं सवाल, मतलब ये दर्शन से कुछ भी पूछ लेगा, मीमांसा पूछ लेगा, सांख्य पूछ लेगा, कपिल पूछ लेगा, ये सब याद रखना। गेगरी मेंडल द्वारा अनुवांशिकी विज्ञान को अनुवांशिक जेनेटिक्स का कहा गया, गेगरी मेंडल ने किसी खोज की थी, अनुवांशिकी की। अनुवांशिकी खोजकर्ता कौन, गेगरी मेंडल। क्या होता है सोहेल अनुवांशिकी, हाँ नहीं, डीएनए उसका पार्ट है, उसमें उसका अध्ययन करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला कोई भी गुण या, ठीक है, जीन्स। टॉर्नेडो एक अति निम्न दाब का केंद्र होता है, ठीक है, और इस निम्न दाब के केंद्र को भरने के लिए चारों तरफ से हवाएं इसकी तरफ दौड़ती हैं, तो चक्रवात बन जाता है हमारे पास। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितना है, 71%। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। गोकक जलप्रपात बेलगावी जिले में स्थित है। झूम कृषि का एक तरीका है, ठीक है, क्या होती है झूम कृषि, पहाड़ों के ऊपर देखा ना वो सीढ़ियाँ बना बना के करते हैं, असम मेघालय के उधर करते हैं ना, पहाड़ों पे सीढ़ियाँ बना बना के, वो झूम कृषि का एक उदाहरण है ना, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। सत्यफल अंडाशय से उत्पन्न होता है, फिर यह आ गया साइंस का। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। लास्ट वाले चुनाव आयुक्त याद होंगे आपको, याद रख लेना। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है, सैन फ्रांसिस्को USA में। और किसने बनाई थी गदर पार्टी, लाला हरदयाल ने, कब बनाई थी, 1913 में, ठीक है, 1913 लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को गदर पार्टी। गदर का मतलब क्या होता है, हुड़दंग, हुड़दंग मतलब गदर। निर्जलीकरण मतलब पानी का निकल जाना, शरीर से पानी का क्षय होता है, निर्जलीकरण मतलब पानी निकल गया बॉडी से। अधिकतर आपका निर्जलीकरण काय से होता है, या तो लू से होता है या लूज मोशन से होता है, ठीक है, या उल्टी से भी हो जाता है। तो किसी भी आधार से आपकी बॉडी से पानी निकल रहा है तो आप बीमार हो जाएंगे, लटक जाएंगे, थकान सी फील होगी। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है, पक्का सोच लो, इसकी कोई सीमा नहीं होती, जब तक संसद चाहे तब तक, ठीक है।
सबसे अधिक लोहा हरी सब्जी में पाया जाता है। अच्छा, 6-6 महीने में इसकी सीमा बढ़ाते हैं, ऐसा ये नहीं है, 6-6 महीने में सीमा बढ़ानी पड़ती है। सबसे अधिक लोहा हरी सब्जियों में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये हरी सब्जियों में पाया जाता है मतलब कि परसेंटेज उसका थोड़ा सा होता है, जैसे 0.025% होता है, ऐसा ऐसा नहीं कि 100% उसमें लोहा ही लोहा है, ठीक है। मतलब अगर उसमें सारे तत्व है ना, कि अगर मैग्नीशियम है, कोबाल्ट है, जिंक है, नाइट्रोजन, जो भी उसमें पाया जा रहा है तत्व, उसमें जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ होगा लोहे का, ठीक है। ऐसा नहीं कि 100% लोहा पाया जाता है। और पालक के अंदर सबसे ज़्यादा लोहा होता है, एक भ्रांति है, ठीक है। जब पहली बार पालक के जो सारणी तय की गई थी तो उसमें लोहे के जो आंकड़े थे वो डबल लिख दिए थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ा के लिख दिए थे टाइपिंग मिस्टेक की वजह से, तो ये टाइपिंग मिस्टेक अभी तक चली आ रही है, ठीक है। तो लोहे पालक में इतना ज़्यादा नहीं होता है। सबसे अधिक लोहा हरी सब्जी में होता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिल गया था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। जब किसी पिंड की गति दुगनी हो जाती है तो उसका संवेग 4 गुना हो जाता है, ऐसा है क्या? चार गुना होगा ना यार। जब किसी पिंड की गति दुगनी होगी तो उसका संवेग बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, मेरे हिसाब से गलत लिखा होगा। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में की गई थी। तो वन सर्वेक्षण कब बना आपका? 1981 में। प्रकाश गति की तुलना रेडियो तरंगों से, मतलब कौन तेज है, रेडियो तरंग या प्रकाश की? प्रकाश। 1 किलोवाट कितना होता है उसमें बिट्स? 1024। दूषित जल को रासायनिक उपापचय द्वारा शुद्ध किया जाता है, ठीक है। आइजोल किसकी राजधानी है? मिजोरम की। ग्रेट ब्रिटेन द्वारा हांगकांग चीन को 1997 में लौटाया गया था। तो ग्रेट ब्रिटेन पर पहले किसका कब्जा था, मतलब सॉरी, हांगकांग पर किसका कब्जा था? ग्रेट ब्रिटेन का, और फिर इसको लौटा दिया हमने बाद में। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी है, कब होती है? 3 जनवरी के दिन। क्या बोलेंगे इसको, अप्सोर या उपसोर? उपसोर बोलते हैं इसको, लिख लो यहाँ पर, उपसोर। उप मतलब पास में आ गया, अप मतलब निकल लिया बाहर, ठीक है। पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है। क्या एग्जिस्ट करता है ग्रीन हाउस प्रभाव? कौन सा जानवर बोला गया? ग्रीन हाउस प्रभाव जैसा, देखो मैं एक बात बताता हूँ, हमने एक नियम पढ़ा है कि ना तो हम ऊर्जा को बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। पृथ्वी के अंदर जो भी चीज़ें थी वो स्वतंत्र रूप से पहले ही थी, हमने कोई सी भी नई चीज़ नहीं बनाई, क्लियर। पृथ्वी के अंदर कार्बन भी था, पृथ्वी के अंदर ऑक्सीजन भी था, पृथ्वी के अंदर सब कुछ था, ठीक है। हम बस उसका उपयोग कर रहे हैं और काम पे आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे कहाँ पृथ्वी का इम्बेलेंस किया, जो भी था इसी के अंदर था और हमने सब इसी के अंदर रहने दिया, तो हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो ग्रीन हाउस प्रेशर का प्रभाव कहाँ से आ गया अचानक, कहाँ से कंसेप्ट निकाल के लेके आए? नहीं होता ना, फिर सब कुछ इसी के अंदर था, एक्स्ट्रा गैसें तो हम बना नहीं सकते। परंतु यहाँ पर यह होता है, सोचने वाली बात यह है कि वो सब कुछ इसी के अंदर था पर उसका रूप अलग था, हमने क्या कर दिया, उसका रूप चेंज कर दिया। और जैसे हम रूप चेंज करते हैं तो उसका स्टेट भी चेंज हो जाता है। जैसे जो बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे वो दब गए, दबने के बाद कोयले की चट्टानों में बदल गए। हमने ज़मीन खोदी, उन बड़े बड़े पेड़ों को कोयले की चट्टानों के रूप में पाया और चट्टानों को हमने जला के धुआं कर दिया, आग लगा दी। जब आग लगाई तो हवा के अंदर आग भी गई और टेम्परेचर फैल गया, ठीक है। तो धीरे धीरे टेम्परेचर को जैसा बढ़ा दिया हमने, जो धुआं निकला वो धुआं भी बढ़ गया। फिर हमने क्या करा, कोयला लिया और फैक्ट्री में डाल दिया, फैक्ट्री में उसको दिन रात जलाया बड़ी बड़ी चिमनियों के माध्यम से, और खूब सारा बड़ा बड़ा स्टीम इंजन चलाया हमने, बहुत सारा काम किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, खूब धुआं छोड़ा, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, हम वही कोयला लेते हैं, पानी गर्म करते हैं और बिजली बना रहे हैं, धड़ल्ले से बिजली बन रही है, धड़ल्ले से कोयला जल रहा है, रूप परिवर्तित कर रहे हैं। और अब इससे क्या हो रहा है, कार्बन की मात्रा धीरे धीरे गैस के रूप में बढ़ रही है, जो एक सॉलिड रूप में था वो अब गैस के रूप में अंतरिक्ष में पहुंच गया है। और इससे क्या होगा, वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद वो गर्म कम्बल के रूप में काम करेगा, पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ जाएगा, क्लियर। जितना कार्बन होना चाहिए उतना था हमारे पास, हमने जला जला के उसकी मात्रा को और बढ़ा दिया, क्लियर। तो ये है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव। बीजक जो है वो किसकी रचना है? कबीरदास की। इसकी 3 प्रकार की शैलियाँ हैं, साखी, सबद और रमेनी, लिख लो, रमेनी, ठीक है। ये 3 प्रकार की चीज़ें हैं इसके अंदर, साखी, सबद और रमेनी।
हिंद स्वराज को महात्मा गांधी ने लिखा है? जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो उसका आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्यों? पानी के अंदर प्रश्न तनाव रहता है, तो प्रश्न तनाव के कारण वो दबाव गैस रहती है, संपीड़ित रहती है, पर जैसे ही बाहर आता है तो उसका पानी का प्रश्न तनाव वो कम हो जाता है, तो वो बड़ा फैल जाता है एकदम, ठीक है, प्रेशर कम होता है उसके ऊपर, पानी के गुण के कारण ही होता है। रंगीन टीवी में कौन से तीन रंग होते हैं? निहाल, नीला, हरा और लाल, याद रहेगा हमेशा। संयोग से रंग चित्र बनता है। म्यांमार देश साउथ एशिया एसोसिएशन सार्क के सदस्य नहीं है, ठीक है। तो आपको ये पता करना है आज कि सार्क के सदस्य देश कौन कौन से हैं। कर लोगे? ईमानदारी से कुछ भी नहीं करोगे। हाँ, सार्क में 10 सदस्य ना, बहुत सारे कहाँ हैं? बताओ, 8 की 10 है। साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, इसमें 10 सदस्य होंगे, ठीक है। और आपका जो एक है ना बीमस्टेक, और एक और आपका ब्रिक्स, इसमें होंगे आपके कम, ठीक है, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, चाइना, इंडिया। जब हम पढ़ेंगे ना इंटरनेशनल रिलेशन, तब सारे संगठन पढ़ेंगे अच्छे से। मंगल ग्रह पर जल में मौजूद होने का प्रमाण मिला है, पर ये जल नहीं है, ठीक है। मंगल ग्रह पर जो भी मिला है वो है आपके शुष्क बर्फ, किसको कहते हैं आपने, ठंडा कार्बन डाइऑक्साइड का जमने वाला, ठीक है। तो वो उसके अपन को बर्फ़ की चादर मिली है, पानी वाला बर्फ़ नहीं है वो। अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय। नाम नॉन अलाइनमेंट वूमेन, नासिर, टिटो, समझ में आ गया। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। एलिस जांच का संबंध किससे है? इसके आगे तो 7 स्टार लगा लो, उनको याद होना ही चाहिए, ठीक है। एलिस जांच किसके लिए होती है? एड्स के लिए। ओपेक, ओपेक में यहाँ पे लिख लो वेनेजुएला, ठीक है। ओपेक के जो सदस्य हैं वो सब अरबी देश हैं, अरब कंट्रीज, बस एकमात्र दक्षिण अमेरिका का देश है वेनेजुएला, जो उसका सदस्य, ठीक है, बाकी सब अरब के आसपास के, इराक, सीरिया, वीरिया, ये सब। तो आपको वो तो तुरंत लग जाएगा अंदाजा कि ये सब तो देश होंगे ही होंगे इसके सदस्य, पर वेनेजुएला तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है, पर वेनेजुएला इसका सदस्य है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिस, एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रियों का संगठन, ठीक है, तेल निर्यातक राष्ट्रों का संगठन है। एका आंदोलन का जो नेता था वो कौन सा था? मदासी पासी, छोड़ दो। यूएस एका पीट संप्रदाय संप्रास, पीट संप्रास टेनिस में विश्व के शिखर का खिलाड़ी, छोड़ दो। चीन यूएनओ का स्थायी सदस्य है, ठीक है। भारत में गोवा राज्य का क्षेत्र सबसे छोटा है। मानसून कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लैटेराइट मिट्टी। कारण? अम्लीय है, क्षारीय है, लिख लो, अम्लीय है, ठीक है। अत्यधिक वर्षा जिस क्षेत्र में होती है वहाँ की मिट्टी अम्लीय हो जाती है, और अम्लीय मिट्टी जो है वो चाय की पत्ती के लिए अच्छी है, क्लियर। मेंटूर बांध कहाँ पर है? तमिलनाडु में। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? जंगलों की कटाई होना। मंद्रा जलप्रपात कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। मयूर तख्त, ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं, तख्ते ताउस का संबंध किससे था? शाहजहाँ से होगा ना, शाहजहाँ, ठीक है। शाहजहाँ कौन है? ताजमहल बनवाने वाला, ठीक है, अच्छे अच्छे काम करने वाला। सेंट पीटर्स पिट्स बेसिलिका वेटिकन सिटी में स्थित है, छोड़ो। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी और किसी मुस्लिम कंट्री की पहली प्रधानमंत्री, ठीक है। ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज अधिकांश लोगों की मृत्यु तपेदिक रोग से हो रही है। तपेदिक बोले तो आ गया कि बुखार। तपेदिक किसको बोलते हैं? टीवी मतलब शहर होता है, क्षय रोग होता ना, कंफर्म कर लो, लगाओ गांव में फोन कि तपेदिक वाला खांसता है या बुखार में रहता है, टीबी, ठीक है। सबसे ज्यादा कैसे मौत होती है? टीबी से।
और भारत में सबसे ज़्यादा मौतें भी टीबी के कारण होती है, ठीक है। एक आम समस्या है, घरेलू महिलाओं को हो जाती है जो चूल्हे का यूज़ करती हैं, उनको भी लंग्स ख़राब हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और बहुत बेकार चीज़ है टीबी। सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत अमेरिका में की गई थी, ठीक है। सार्वजनिक हित याचिका, इसको कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। PIL की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अमेरिका से। दांतों के डॉक्टर दांत पर प्रकाश केंद्रित करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करता है? अवतल दर्पण का, ठीक है। बॉयलर के नियम किससे है? नियत तापमान की स्थिति में लागू होता है। पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर ही उबलने लग जाता है, क्यों? प्रेशर के कारण, ठीक है। कम एनर्जी में ही वो जल्दी उबल जाता है, ठीक है। 4 डिग्री पर जल का घनत्व क्या होता है? अधिकतम। इसके बाद तो पानी जमना स्टार्ट कर देगा। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश कण होते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने से क्या हो जाता है? सूर्य ग्रहण। कंप्यूटर में वायरस का संबंध किससे है? प्रोग्राम से। जो आपके कंप्यूटर के वायरस होते हैं वो एक प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। प्रोग्रामर इनको बनाते हैं, कंप्यूटर में छोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद एंटीवायरस बना के वो भी छोड़ देते हैं। कावेरी गंगा और महानदी भारत में क्या बनाती है? डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं। और ये तीनों ही नदियाँ कहाँ की हैं आपकी? देखो, गंगा तो छोड़ दो, उत्तर भारत की, कावेरी और महानदी आपके प्रायद्वीपी भारत की हैं। मानव शरीर में रक्तचाप एड्रेनलिन ग्रेन द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है, एड्रेनलिन ग्रंथि। कपास, सन और जूट रेशेदार फसलें हैं। ग्रह शासन आंदोलन, ये ग्रह शासन को होम रूल लीग कहते हैं, ठीक है। होम रूल लीग आंदोलन बाल गंगाधर तिलक के प्रारंभ किया था, ठीक है। चीनी यात्री हैनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा होता है? गामा किरण। गामा किरण खतरनाक है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। हेजा रोग जीवाणुओं के कारण होता है। आंख के पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? दृष्टि पटल। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि क्या है? विजय घाट। समाधियाँ सभी को याद करनी है, ठीक है। किस किस को याद है? कुछ कुछ याद है, चलो मुझे बताना। गांधी जी की क्या है? राजघाट, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री की अभी तो पढ़ी, अभी पढ़ी ना, विजय घाट, इतना क्या सोच रहे हो। इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की, शक्ति का बेटा वीर होगा ना, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की, शांत व्यक्ति थे। और चौधरी चरण सिंह की, किसान। मोरारजी देसाई की, अभय घाट, ठीक है। और बापू जगजीवन राम की, समता स्थल। अंबेडकर की, चैत्य भूमि। और कौन सा बच रहा? चल, भारत में सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। एक भारी वस्तु एवं हल्की वस्तु को मीनार की चोटी से फेंका जाए और हवा का प्रतिरोध नगण्य हो तो दोनों वस्तुएं एक साथ जमीन पर पहुंचेगी। पक्का? एक भारी वस्तु और एक हल्की वस्तु, दोनों को एक साथ जमीन पर छोड़ा जाए, एक मुर्गी का पंख और एक किलो का बाट, दोनों में से कौन पहले आएगा? अरे हवा नगण्य है वहाँ पे, तो दोनों एक साथ ही आएंगे। हवा का प्रतिरोध बिल्कुल भी नहीं है, मुर्गी के पंखों को हवा का प्रतिरोध लगता है तो वो रुकते रुकाते आता है। ऐसे होता है ना, मुर्गी का पंख छोड़ा तो ऐसे ऐसे करके आएगा वो, क्योंकि हवा उसको रोक रही है ना, अब प्रतिरोध ही नहीं है, दोनों को छोड़ दिया, ऐसा दोनों एक ही टाइम में आएंगे। बात ये याद रखना, हवा का प्रतिरोध नगण्य हो, ठीक है। और अगर प्रतिरोध है तो फिर डिपेंड करेगा कि भारी चीज़ पहले आएगी, ठीक है। आगा खां कप का संबंध किससे है? हॉकी से है। देखो, इसी चीज़ को बताता हूँ मैं कि अगर तुम स्पेस में हो, ठीक है, जहाँ पे हवा का प्रतिरोध नगण्य है, तुमने एक किलो का बाट भी फेंका और मुर्गी का पंख भी फेंका, दोनों एक ही स्पीड से जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है, वही वाली बात है यहाँ। आगा खां कप कैसे है? हॉकी से। समान भार के दो गेंद टकराने का संवेग नियत रहता है, ठीक है। जिम्बाब्वे को दक्षिण रोडेशिया के नाम से भी जाना जाता है, उत्तरी रोडेशिया और दक्षिण रोडेशिया, ठीक है।
मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी फिर देवगिरी बसा दी इन्होंने। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। ये याद रखना, टेस्ला आज की तारीख में एक बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है टेस्ला। ठीक है, जो बहुत बड़ा विमान बना के लोगों को अंतरिक्ष में घुमाने वाली है। ठीक है, अंतरिक्ष में लोगों को ले जाने वाली है टेस्ला। और टेस्ला कॉरपोरेशन का जो इयोन मस्क, नाम सुना होगा ना सोहेल, नाम सुना है इयोन मस्क? नहीं, इयोन मस्क गंजा सा एक आदमी है और बहुत माइंडेड है। ठीक है, इयोन मस्क बहुत ज़्यादा, जैसे अपना आयरन मैन है ना मूवी में, वो रियल मैन का आयरन मैन है। ठीक है, और उसने वाकई में बहुत अच्छे सूट बनाए हैं स्पेस के, बहुत अच्छे शटल बनाए हैं। और टेस्ला की कार आती है दुनिया की सबसे महंगी और सबसे शानदार, टेस्ला कॉरपोरेशन वाकई में बहुत शानदार है। एक्चुअली टेस्ला जो था वो थे निकोलस टेस्ला, है ना, वैज्ञानिक थे हमारे। यामा के लेखक फिर महादेवी वर्मा हो गई। ठीक है, हेवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंध कहाँ से? भोपाल। भेल का संबंध कहाँ पर है? भोपाल। पायरोमीटर क्या करेगा? उच्च ताप को मापेगा, दूर से रेडिएशन नाप लेता है। जैसे सूरज है, सूरज के सामने पायरोमीटर कर दो, वहाँ से जो रेडिएशन आ रही है वो नाप के बता देगा कितना गर्म है। ठीक है, बहुत ही हाई टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर। तमस किसकी है? भीष्म साहिनी की रचना है। राइडर कप, ये याद रखना, राइडर गोल्फ खेल। वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। तो हाइग्रोमीटर क्या नापता है? आर्द्रता मापी। हाइग्रोमीटर मतलब आर्द्रता मापी। वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाती हैं। लोलक जिसको बोलते हैं पेंडुलम की लंबाई चौगुनी होने पर उसकी समयावधि दोगुनी हो जाएगी, छोड़ो किसी काम का नहीं। हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तैबे। कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला, छोड़ दो। डायोड से धारा का दिशा, ठीक है, धारा एक दिशा में बहती है। डायोड से याद रख लेना, धारा कैसी बहती है? एक ही दिशा में बहती है डायोड से। सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? हीरा। क्लियर? अच्छा, कठोर है मतलब कि ये टूट तो सकता ही है आसानी से, अगर लचीला होगा तो नहीं टूटेगा। द्रव में किसी वस्तु पर उत्प्लवन बल कि वस्तु के भार पर निर्भर करता है। सोना कर्नाटक राज्य में से निकाला जाता है। दूसरा, आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो हमारा 1780 से 84 के बीच हुआ था। अंत मंगलोर की संधि हुई 1874 में। ठीक है, और यहाँ पे अंग्रेज और जो हैदर अली था दोनों के बीच में बराबर बराबर टाई वाला मैच था, ना तो तू जीता ना मैं जीता। ठीक है, मंगलोर की संधि, इसके बाद जो होगी वो खतरनाक संधियाँ होंगी, और आखिरी संधि होगी श्रीरंगपट्टनम की संधि, और उसके बाद टीपू सुल्तान की मृत्यु। पुर्तगाली यात्री फरार, क्या लिखा है, फरनाओ नूनीज अच्युत देवराय के शासनकाल में विजयनगर में आया था। ठीक है, अच्युत देवराय याद रख लो यहाँ पे, और ये आदमी भी याद रख लो, अजीबोगरीब नाम का पुर्तगाली व्यक्ति। ठीक है, तो पुर्तगाली कहाँ आया? फरनाओ आया अच्युत देवराय के शासनकाल में। हाँ, देवराय है अपना। बेलूर यांगची नदी के तट पर है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रा के भारत में नगर पालिक का जल का उपापचय क्लोरीन से किया जाता है। ठीक है, क्लोरीन से हम क्या कर देते हैं? साफ कर देते हैं। कार्बोरेटर क्या करता है? कार्बोरेटर क्या करता है? गाड़ी स्टार्ट करता है। तो फिर सेल्फ क्या करता है? बैटरी क्या करती है? करंट को बनाती है। क्या करता है कार्बोरेटर? सोहेल बताए। कार्बोरेटर में कचरा आ जाता है, गाड़ी चलाती ना। बताओ कार्बोरेटर कैसे पता करो? गाड़ी खड़खड़ खड़खड़ कर थोड़ी देर चली, फिर बंद हो गई, फिर झटका दिया, फिर थोड़ी देर फिर चली, फिर बंद हो गया। होती गाड़ी कभी इसकी? कभी होगी तो फिर क्या करोगे? कुछ नहीं है, कार्बोरेटर वही पेट्रोल वाला, पेट्रोल लेगा पेट्रोल टैंक से और वो बूंद बूंद करके अपने चैम्बर में इकट्ठी करेगा, और उसके साथ हवा का मिश्रण लेगा अच्छे फिल्टर से, और हवा और पेट्रोल को मिक्स करके आगे पुश कर देगा। पुश ना करेगा इंजन के चैम्बर में, इंजन में ब्लास्ट होगा, इंजन क्या करेगा, नोजल खोलेगा, धुआं निकाल देगा। फिर वापस से कार्बोरेटर को बोला भाई और पेट्रोल देना मेरे को, तो फिर और पेट्रोल देगा, फिर वो करेगा, फिर ब्लास्ट करके बोल देगा फिर और दे। तो जैसे आप उसकी स्पीड बढ़ाओगे तो बोलेगा ले और पेट्रोल ले, तो धार मचा देगा कार्बोरेटर के अंदर पेट्रोल, ढेर सारा पेट्रोल जाएगा, ढेर सारा पेट्रोल हवा मिक्स होगा और इंजन में जाता जाएगा। पेट्रोल टैंक खाली, ज़्यादा तेज़ नहीं भगाना गाड़ी, 45-50 से भगाना, तो पेट्रोल कम कम जाएगा, गाड़ी चलती रहेगी। समझ में आ गया? एवरेज गाड़ी कब देती है?
जब वो नॉर्मल स्पीड पे चले। ठीक, तो ये आपका कार्बोरेटर क्या करता है, पेट्रोल और हवा का मिश्रण बना के इंजन में सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये पेट्रोल इंजन में होता है। अच्छा, डीजल बुलेट में होता है क्या कार्बोरेटर? डीजल वाले इंजन में कार्बोरेटर होता है? नहीं, उसमें फ्यूल इंजेक्टर होता है। ठीक है, फ्यूल इंजेक्टर, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या होता है इंजन के अंदर, कि आपने कार्बोरेटर का हवा और पेट्रोल का मिश्रण बनाया, हवा ज़रूरी है उसमें, क्योंकि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कुछ जलेगा ही नहीं। तो हवा में मतलब ऑक्सीजन और पेट्रोल मतलब जलने वाली चीज़, तो दोनों का मिश्रण हो गया, गोला बारूद अपना पूरा गैस, और ये कार्बोरेटर इंजन में गया। इसको हमने दबाया, ऊपर से पिस्टन का प्रेशर आएगा, बहुत दबाया, इतना दबा दिया, संपीड़ित हो गया, पर अभी भी आग नहीं लगी इसमें। तो आग नहीं लगी तो क्या करें, एक स्पार्क प्लग आता है वाइट रंग का, आता है देखा है गुड़िया, एक वाइट रंग का स्पार्क प्लग देखा है, चीनी का बना हुआ गोल गोल गोल, देखा है ना वो स्पार्क प्लग, जिसमें कार्बन जम जाता है, साफ करते हैं बोले स्पार्क प्लग खराब हो गया, तो वो स्पार्क प्लग आता है, वो बैटरी से करंट मिलता है उसको, जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो स्पार्क प्लग झटका देता है, तो चिंगारी मारेगा वो, जैसे वो लाइटर में चिंगारी मारते ना अपन। हाँ, तो वही तो है कि हमने क्या करा, हवा में पेट्रोल को मिक्स किया। पेट्रोल कैसी गैस है, मतलब पेट्रोल ऐसा लिक्विड है कि बहुत जल्दी हवा में घुल जाता है, उड़ जाता है, तो वो गैस हो गया हमारे पास, हवा और पेट्रोल का मिक्सचर, वो गैस हो गया, लिक्विड नहीं जा रहा है उसमें, हवा जा रही है, पेट्रोल वाली हवा। आपके मुंह में पेट्रोल वाली हवा घुस जाएगी, कैसा फील होगा? समझ में आया? वो जो पेट्रोल वाला है ना, स्वाद आएगा अजीब सा, वही उसके पास जा रहा है। किसके पास जा रहा है? कार्बो इंजन के पास जा रहा है। उसमें स्पार्क प्लग जलेगा, और जैसा संपीड़ित हो गया है, बहुत प्रेशर में गर्म हो गया है, स्पार्क प्लग लगेगा, ब्लास्ट होगा और पिस्टन को ऊपर धकेलेगा। हो गया, समझ में आ गया? गाड़ी चल जाएगी, बार बार ऊपर नीचे पिस्टन होगा। अब डीजल बुलेट में ऐसा नहीं होता, या डीजल के इंजन में ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है, ये तो कार्बोरेटर हो गया। अब डीजल ऐसी चीज़ है, हवा में छोड़ दो कटोरी भर के और शाम तक खाली नहीं होगी, उड़ता नहीं यहाँ करते। पर उसकी एक चीज़ है कि डीजल को अगर हवा के साथ मिक्स कर दिया जाए, या फिर आप डीजल को किसी गर्म चीज़ पे फेंका जाए, तो आँख पकड़ लेता है। उसकी बस एक ही क्वालिटी है कि डीजल को जहाँ हीट मिलेगी वो गर्मी जल जाएगा। हम क्या करते हैं, एयर फिल्टर होता है, बड़ी गाड़ियों में एयर फिल्टर होता है, वो एयर फिल्टर इंजन के अंदर क्या करता है, एयर भेजता है, और उस एयर को हम कंप्रेस करते हैं। याद रखना, इस एयर के अंदर अभी कोई भी प्रकार का पेट्रोलियम पदार्थ नहीं है, प्योर एयर, हवा। इस हवा को हमने बहुत दबा दिया और दबा दिया, जब ये फाइनली बहुत अंतिम सीमा तक दब गई, फिर हमने ऊपर की तरफ से जो फ्यूल इंजेक्टर लगा रखा है उससे हमने एक बूंद पिचकारी मार दी, किसकी, डीजल की। और जब हवा दबती है तो वो गर्म हो जाती है, और बहुत ज़्यादा गर्म हवा के ऊपर जैसे डीजल की एक बूंद गई, उसमें ब्लास्ट हो गया, पिस्टन चालू हो गया। तो इसको बोलते हैं फ्यूल इंजेक्टर। ठीक है, तो हम उसे पिचकारी मारते हैं डीजल की, डायरेक्ट हवा को कंप्रेस करके पिचकारी मार देंगे तो फ्यूल इंजेक्टर हो जाएगा। तो ये आपकी डीजल गाड़ियों में होता है, और ये आपकी पेट्रोल गाड़ियों में। अब होता ये है, पेट्रोल गाड़ी ज़्यादा लोड लेगी या डीजल गाड़ी? डीजल गाड़ी। कारण ये होता है, उसमें फ्यूल डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है इंजन के अंदर, कंप्रेसर ने आपने बनाया और फिर आप उसको भेज रहे हो, तो उसमें सही मात्रा में आया कि नहीं आया वो पता नहीं, पर जब हमने प्रेशर डाला और उसमें अपन ने ज़्यादा डीजल डाल दिया तो अचानक बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होगा। पर जो आपका ये होता है कार्बोरेटर निश्चित मात्रा में पेट्रोल को मिक्स करके भेजेगा ना, तो उसकी एक सीमा बन जाती है, और यहीं उसकी जो सीमा है थोड़ी ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि आप डायरेक्ट डीजल डाल रहे हो उसके अंदर। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया आपका कार्बोरेटर। लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता या आपके स्पीकर कौन थे? जी बी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन को खराब करेगा। चावल में अधिकतम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, चावल खाने से मोटे होते हैं क्या? ब्राउन साइज खाने से नहीं होते। अच्छा, अगर चावल को वाइट भी खाओ, पसा के खाओ, तो स्टार्च निकाल दो, तो चावल के अंदर मोटा करने वाली चीज़ होती है स्टार्च। ठीक है, मार्ट जिसको आप हिंदी में कहते हो, जानते हो ना, वो चावल को धोने के बाद वाइट वाइट रंग का जो निकलता है, या चावल को गर्म करके उबालते वक्त जो पानी सफ़ेद हो जाता है, वो मार्ट होता है। ठीक है, आप उसको उबालने के बाद फेंक दो तो आप उससे मोटे नहीं होगे, आपको प्योर एनर्जी मिलेगी। ठीक है, कोई से भी चावल खा सकते हो उसके बाद। विश्व की सबसे ऊँची जो वेधशाला है वो कहाँ पर है? हॉन्स में है, लद्दाख में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हरे पौधे और कोई दूसरे कलर के पौधे होते हैं क्या? मुक्त रूप से निलंबित सुई। ठीक है, अगर आपने कोई भी चुंबकीय सुई स्वतंत्र रूप से लटका दी,
तो किस दिशा में जाएगी? उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है, पृथ्वी का अक्ष इसके अक्षीय समतल से लंबवत कितना है? 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। इसे समझ में आता है ना आपको? देखो पृथ्वी को खड़ा होना चाहिए अपने अक्ष, जैसे ये अक्ष कैसे बताऊं, नॉर्मली किसी भी चीज़ को अपन इस प्रकार से बना सकते हैं। ये इसका अक्ष हो गया, सॉरी ये खड़ी वाली लकीर अक्ष हो गई, और ये इसका क्षितिज हो गया। ठीक है, अब हमारी पृथ्वी को ऐसा होना चाहिए। ठीक है, परंतु हमारी पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष से ऐसी घूमी हुई। ठीक है, ऐसा पृथ्वी पर दो स्थलों के अनुदैर्ध्य का अंतर कितना होता है? 15 डिग्री है, तथा स्थानीय समय में अंतर 1 घंटा होता है। हर 15 डिग्री देशांतर जब आप आगे बढ़ते हो तो आपका समय कितना बढ़ जाता है? 1 घंटा आगे, मतलब एक देशांतर को पार करने में आपको 4 मिनट का समय लग रहा है। पक्का सही है? मतलब आप यहाँ खड़े हो कहाँ पर? रतलाम में। रतलाम में आप खड़े हो 100 देशांतर, और आप थोड़ा सा आगे निकले और आप पहुँच गए 110 देशांतर पर। तो आपके जो समय का डिफरेंस आया वो कितने मिनट आया, जैसे आपकी घड़ी जो है वो कितने मिनट आगे पीछे हो गई। आप 100 पे थे, 100 से आप पहुँच गए 110 पे, मतलब आपने 10 देशांतर का पार किया है, और एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगता है। ठीक है, समय को तो आप कितने आगे चले गए? 40 मिनट। ठीक है, मतलब आपकी घड़ी में भले ही यहाँ पे 1:30 बज रही होगी, पर वो वहाँ पे 2:10 बता रही होगी, क्योंकि 40 मिनट 2:20 बता रही होगी, समय ज़्यादा आगे चल रहा है। तो आप बोलोगे घड़ी पीछे कैसे हो गई? एक्चुअली आप देशांतर क्रॉस करके चले गए। ठीक है, क्योंकि हर जगह का अलग अलग समय होता है। वायु सभी दिशाओं में दबाव बनाती है, पता है ना, हवा हर दिशा में दबाव बनाती है। कठोर जल साबुन के साथ झाग न बनाने वाला होता है, ठीक है, तो इसलिए भारी जल के अंदर नहीं बनते। सेल्यूलोज प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। थीन भारी जल D2O में डाल दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। अगर आपके पास कुछ ऑप्शन में नहीं है और आपको काम चलाना है तो आप पानी, नॉर्मल पानी भी डाल दो, कूलेंट का काम करेगा और क्या। D2O जो है वो एक रासायनिक क्रिया से बनने वाली चीज़ है, है ना, उबल के बाहर नहीं आता वो, हाँ जल्दी जल्दी, और ख़त्म भी नहीं होता है। हाँ तो डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब नहीं है तो आप ऑप्शन में यूज़ कर सकते हो, कि मतलब प्रैक्टिकली लाइफ में डाल सकते हो। ठीक है, थीन बांध पंजाब की रावी नदी पर है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम है। डायबिटीज़ बीमारी जो है पैनक्रियास को प्रभावित करती है। तड़ित चालक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने खोजा था। ठीक है, आपको पता है तड़ित चालक किसको कहते हैं? बदायूं जो है अलाउद्दीन के दरबार में आया था। बदायूनी जो है कहाँ पे आया था? अलाउद्दीन के दरबार में, ये याद रखना। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? यूरेनियम नहीं है, थोरियम होगा वो। ठीक है, थोरियम है, थोरियम हमारे पास है। ठीक है, जादूगोड़ा में थोरियम मिलता है, यूरेनियम नहीं मिलता। क्लियर। नदियों में रियो ग्रांड अंतर्राष्ट्रीय छोड़ दो। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता भारतीय कौन है? विनोबा भावे। अब किसको मिल गया? रवीश कुमार को। ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं वो योग्य व्यक्ति को देते हैं। अगर नोबेल मिल रहा है तो योग्य को मिलेगा। इससे भारत रत्न पे भी आजकल विश्वास नहीं रहा। ठीक है, ये किसी को भी मुंह उठा के दे सकते हैं। तो वो हो सका कि अभी अगले साल भी सरकार रह गई तो हमारे दोनों भैया आपस में बांट लें, अमित शाह और मोदी जी, एक तू रख एक मैं रखूँ, तू मेरे को दे मैं तेरे को दूँ। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, अच्छा अभी एक नया बिल चल रहा है ना NIA वाला, आतंकवादी वाला, तो पास हो गया क्या वो? हाँ हो गया ना, किसी को भी बिना किसी दिक्कत को उठा लेंगे, शामिल नंबर आना चाहिए उसके पास में, है ना। आपका नंबर अगर आपकी फेसबुक पर डाला हुआ और सामने वाले ना अगर आपको बोला सर आपकी एकेडमी कहाँ पर है और वो आतंकवादी निकला तो आपको भी उठा लेंगे। अरे कुछ जांच पड़ताल नहीं, जिसको उठाना उठा लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। ये बहुत काम का फैक्ट है, ये याद रखना। जब 1947 में हम आज़ाद हो रहे थे तब कौन थे हमारे पास? JB कृपलानी। कावेरी जल विवाद दो राज्यों के बीच में है, कर्नाटक और तमिलनाडु के।
पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? मृत सागर। और इसकी जो वो है क्या बोलते हैं लवणता कितनी है? 330%। वॉल स्ट्रीट जर्नल समाचार पत्र है जो डेनियल पर द्वारा किया जाता है, ठीक है, डेनियल पर इसके प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब संपादक हैं इसके। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी और उत्तर भारत में हमारे तिलक साहब ने। कॉस्मोस एक जासूसी उपग्रह है। बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान में याह्या खान की सरकार थी, ठीक है, और बांग्लादेश में जो चुनाव हुए थे पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान जीत गए थे उस चुनाव में। आम चुनाव हुए थे 1970s के और इस चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान जीत गए थे और याह्या खान साहब को समझ में नहीं आया कि यार ये कैसे जीत गया, तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम तो आओ इधर प्रधानमंत्री बनने। जैसे वो प्रधानमंत्री बनने के लिए बांग्लादेश से, मतलब जो तात्कालिक बांग्लादेश है, पूर्वी पाकिस्तान से जब वो पश्चिम पाकिस्तान में गए, किडनैप करके रख लिया उनको, जब किडनैप करके रख लिया और वहाँ के लोगों को लड बरसाया उन्होंने और बहुत मारापीटी करी, तो वहाँ के लोग भागे, भारत में आए और भारत वालों ने बोला कि चलो ठीक है हम सपोर्ट करेंगे आपका, तो ऐसा हुआ था राजनीतिक। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी तथा मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में, ठीक है। कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए गठित कावेरी जल न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल का गठन 2 जून 1990 को किया गया था। विश्व जल दिवस 22 मार्च, ठीक है, पृथ्वी दिवस, जल दिवस, सूर्य दिवस, जो भी दिवस आए सब याद रखना है। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? लाल ताज किसको कहते हैं? बीबी के मकबरे को लाल ताज भी कहते हैं, ठीक है, वो सफ़ेद पत्थर से बना हुआ है और सेम टू सेम लाल पत्थर से बना हुआ है, हे ताजमहल जैसा ही। दाची ग्राम अभ्यारण्य कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, वियना ऑस्ट्रिया में है और डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। डेन्यूब नदी जो है वो 8 देशों से होकर गुजरती है ना, याद है? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? नहीं पता, 8 देश पता करना डेन्यूब नदी के किनारे कौन कौन से, ठीक है। तपेदिक रोग कैसे होता है? बैक्टीरिया से। तपेदिक मतलब टीवी, लंग्स खराब हो जाते हैं आपके, ठीक है। राजस्थान नहर इंदिरा नहर सतलज नदी के पानी को प्राप्त करती है। अरावली पर्वत श्रृंखला चंबल और साबरमती नदी प्रणाली से, छोड़ दो। रुद्र सागर झील कहाँ पर है आपकी? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है ये पता नहीं, देखना मेरे को भी आइडिया नहीं है इसको, कौन से बांध के पीछे बनी हुई है ये कहीं बुंदेलखंड में होगी। यदि 2 तत्वों की परमाणु संख्या समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो वे आइसोटॉप कहलाते हैं, समस्थानिक। हमारे एग्जाम में कभी बहुत कम पूछेंगे समस्थानिक किसको कहते हैं ऐसा, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम सन 1953 में विजय प्राप्त की गई थी। सांड की लड़ाई कौन से देश में होती है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल है ये। गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद ने, ठीक है। अंगद कौन था आपने इतिहास में? बंदर अंगद। अंगद क्यों फेमस था? लंबा चौड़ा था। हाँ, रामायण वाला अंगद, अंगद का पैर। हैजा रोग पानी के माध्यम से होता है, ठीक है। पानी के माध्यम से क्या होगा? पानी पीने से, दूषित पानी पीने से। अच्छा, पंचायती राज एक प्रशासनिक ढांचा है जो निधि या फंड के लिए मुख्यतः केंद्र सरकार से आर्थिक अनुदान पर निर्भर करता है। मतलब आपको पंचायत को पैसा कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का विषय नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पैसा देगी। मुद्रा स्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होता है जब मुद्रा की विनिमय दर गिर जाती है, ठीक है। एक्चुअली कहने का मतलब है, ये लाइन बहुत गंदी है, मनी का एक्सचेंज रेट जब गिर जाए, जैसे कि आज आप 50 रुपये का 1 रुपये का सिक्का लेके जाते हो या 50 रुपये लेके जाते हो और आपको $1 मिलता है, ठीक है। कल आप 1 रुपया लेके जाओगे और आपको $1 मिलेगा, तो क्या अच्छी कंडीशन है बुरी कंडीशन है? बुरी कंडीशन है। आज हम 50 लेके जाते हैं तब जाके हमको $1 मिलता है, कल हम 1 रुपया लेके जाएंगे और हमको $1 मिल जाएगा, अच्छी कंडीशन है बुरी कंडीशन है?
अच्छी है। हाँ मतलब हमारे लिए तो अच्छी है ना, क्योंकि हमने जब पहले एक डॉलर खरीदने के लिए 50 रुपये लगाने पड़ रहे थे हमको, और वहीं आज हमारे 1 रुपये के बराबर एक डॉलर की कीमत हो गई। अब मान लो कि आज 50 रुपये का एक डॉलर आ रहा है, कल 70 रुपये का आएगा, ख़राब हो गई। मतलब जब हमारा मजदूर जो आदमी था वो विश्व लेवल पर अगर बात करें तो दिन भर मजदूरी करके 70 रुपये कमा रहा है, तब जाके वो एक डॉलर के बराबर कर रहा है, पहले 50 में ही काम हो जाता था। क्लियर? तो ये होती है विनिमय, एक्सचेंज, कि आपका रुपया कितने में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे अभी कौन सा देश है वो, फिलीपींस है कि कौन सा है, मोजाम्बिक, जुबाम, कोई सा भी एक देश है, उसकी अर्थव्यवस्था बहुत गिर गई और उसका जो एक रुपया है भारत के तुलना में वो हो गया है 0.00028%, मतलब इतना कम हो गया है। ठीक है, वो 25 पैसे से भी बहुत डाउन चला गया है। तो समझ में आ गया उसका एक्सचेंज रेट कितना ख़राब हो गया। तो ये होती है मुद्रा स्फीति। जब भी मार्केट में मुद्रा स्फीति होती है, मतलब वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं और मुद्रा की वैल्यू डाउन हो जाती है। जैसे ही मुद्रा की वैल्यू डाउन हुई तो आपका एक्सचेंज रेट भी, जाहिर सी बात है, डाउन जाएगा। इसे जहाँ आपके 50 डॉलर लग रहे थे, वहाँ आप 70 या 80 या 90 भी लग सकते हैं। परंतु कई बार सरकार जानबूझ करके मुद्रा स्फीति करती है या आपके मुद्रा के रेट को गिराती है, ठीक है, एक्सचेंज रेट को डाउन कर देती है। इसका कारण ये होता है कि आप विदेशों से जो भी माल खरीद रहे हैं, तो आप यहाँ से जो भी बेच रहे हैं वो लोग भाग आपसे सस्ते में ले जाएं। जैसे मान लेते हैं कि आज हमने मोबाइल बनाया, इस मोबाइल की कीमत 100 रुपये है, ठीक है, भारत के 100 रुपये के बराबर है। अब मान लेते हैं कि एक्सचेंज रेट में कोई भी व्यक्ति 50 रुपये का एक डॉलर है, 50 रुपये का एक डॉलर, तो 100 रुपये की चीज़ खरीदने के लिए कितने डॉलर लगेंगे उसको, 2 डॉलर। समझ में आ गया? अब चीज़ वही 100 रुपये की है, हमने क्या करा, एक्सचेंज रेट को घटा दिया, एक डॉलर बराबर कितना कर दिया हमने, 100, डायरेक्टली बढ़ा, हमने डबल ही घटा दिया। पहले 2 डॉलर में खरीदा था, अब 1 ही डॉलर में खरीद लेगा, मतलब अब वो 2 मोबाइल खरीदेगा, उसके बाद 2 डॉलर है ना, अब वो 2 मोबाइल खरीद के ले जाएगा, तो हमारी ये चीज़ तो डबल बिक गई। तो इसी प्रकार से जब हमको कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में बेचनी होती है, तब हम उसका रेट या हमारी इंडियन करेंसी का रेट डाउन कर देते हैं, इन द सेंस बढ़ा देते हैं, 70, 80, 90 ऐसा कर देते हैं एक डॉलर की तुलना में। ठीक है, तो यहाँ बढ़ता हुआ भले आंकड़ा दिख रहा, पर वो घटिया होता है, एक प्रकार से वैल्यू जा रही है हमारी। अच्छा, शुरुआत में हम 1 डॉलर बराबर 1 रुपया भी था, अगर आज सरकार कर दे 1 डॉलर बराबर 1 रुपया, तो ये हमारे हाथ में ही है, कोई बाहर वाला नहीं करता, क्या होगा? हाँ, ये भी है कि जो बाहर से जो पैसा भेजते हैं डॉलर, वो जो बेचारा मेहनत कर रहा है खूब सारा, उसने वहाँ पे 50 रुपये कमाए, 50 डॉलर यहाँ आके वो हज़ारों में हो जाते हैं, है ना। देखो, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और बहुत सारे नुकसान हैं। पहला फ़ायदा ये है कि जो अभी हम खरीदते हैं वो डॉलर में खरीदते हैं, ठीक है, हमारा 1 डॉलर बराबर 1 रुपया, मतलब जो हम तेल अभी खरीद रहे हैं वो हमको सस्ता मिलेगा। परंतु जो हम मार्केट में बेच रहे हैं हमारी चीज़, हमारी जो वस्तुएं हम बेच रहे हैं, कोई ख़रीदने नहीं आएगा, वो महंगी हो जाएंगी। फिर वो बोलेगा यार, जब 50 डॉलर में हमको यही चीज़, ये मूर्ति 50 डॉलर में हमको भारत से ख़रीदनी है, तो यही कि मैं 5 डॉलर में अमेरिका से नहीं खरीद लूँ, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग 50 रुपये लग रही है, और 50 रुपये मतलब 50 डॉलर के बराबर हो गया। समझ में आया? तो इंटरनल भी हमको हमारे रुपये की पावर बढ़ानी पड़ेगी, मतलब 1 रुपये और 2 रुपये किलो में अगर जब भारत में गेहूँ बिकेगा, तब आपके रुपये की कीमत बढ़ेगी। समझ में आया? और ऐसा संभव है क्या, 1 या 2 रुपये किलो में आपका गेहूँ बिकना वापस से? 20 या 25 रुपये चल रहा होगा अभी गेहूँ, 21 चल रहा है, मान लेते 20 एवरेज, तो 20 रुपये किलो का गेहूँ जब 2 रुपये किलो में बिकेगा भारत के अंदर, तब हम बोल सकते हैं कि ये मूर्ति 50 की पड़ेगी, वरना अभी तो ये 1000 की है, ऐसे ही है ना। क्लियर? जब हमारा पीतल जो है अभी कितना चल रहा है, मान लेते 700-800 रुपये किलो चल रहा है, तो जब वो 70 रुपये किलो पे नहीं आ जाएगा, तब तक हम बोल नहीं सकते कि हमने 5 किलो की मूर्ति बनाई है, तो 750-350 रुपये की। और डॉलर के हिसाब से जब अमेरिका में तुलना करेगा, तो वहाँ का जो तांबे का भाव है थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 70 या 80 ज़्यादा होगा, तो बोलेगा 450 वहाँ पड़ रहा है, बोले भारत से ले लेंगे। उस कंडीशन में हमें आना पड़ेगा, तब तक हम डॉलर की वैल्यू के बराबर फ्लेट नहीं कर सकते। दिनार का भाव इससे ज़्यादा रहता है क्योंकि उसकी जो देश की साख है वो भी ज़्यादा है। पहली बात तो वो कहता है कि हमें ज़्यादा व्यापार, हम जो चीज़ बेच रहे हैं वो कॉस्टली चीज़ बेचते हैं, ठीक है, और एक्चुअली वहाँ की सरकार भी बहुत मजबूत है, वहाँ के लोग भी पैसे वाले हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें और देखी जाती है। जैसे हमने भारत की बात करी, हमारे यहाँ गेहूँ का रेट कितना चल रहा है, 20 रुपये, तो हो सकता है कि वहाँ पे गेहूँ और भी सस्ता हो हमसे, उनकी परचेसिंग पावर पैरिटी बहुत ज़्यादा है, PPPP के आधार पर वो हमसे आगे हैं। अच्छा, अब देखते हैं। अच्छा, उनका
दिनार इसलिए हैवी है क्योंकि एक तो स्टेबल देश है पेट्रोल की वजह से, ठीक है, और उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार प्रचुर मात्रा में, क्योंकि हमेशा तेल बेचता है और डॉलर इकट्ठे कर लेता है, ठीक है। और वो डॉलर जो है डॉलर की ज़्यादा वैल्यू समझता नहीं है, उसने अपनी दिनार की वैल्यू इतनी अच्छी बना रखी है, बोले तू क्या करेगा व्यापार, उससे ज़्यादा व्यापार तो मैं करता हूँ, तुझे अगर डील करना है तो मेरी यहाँ की चीज़ अगर खरीदनी तो इतने दिनार की पड़ेगी या ऐसा होगा, तो उसने अपनी वैल्यू बढ़ा रखी है, ठीक है। जैसे चीन है, चीन ने अपनी वैल्यू बहुत घटा रखी है, ठीक है, ऐसा होगा कि लगभग 190 यान यान करके एक डॉलर के बराबर होगा, जबकि हम तो 60-70 पे ही हैं अभी, वो तो और भी गिरा के बैठा हुआ है कि आओ ले जाओ खरीदो हमारे यहाँ से कचरा, ठीक है। चीन एक्चुअली क्या करता है, डंपिंग करता है, ठीक है, चीन घटिया चीज़ें बनाता है, अच्छी चीज़ें बनाता है और बहुत अच्छी चीज़ें बनाता है, ठीक है। जो जो देश जैसी चीज़ खरीदना चाहता है उसको वो वैसी चीज़ बेच देता है, अगर आप उसे अच्छी चीज़ खरीदना चाहोगे तो आपको 1000 रुपये में भी वो चीज़ देगा, मच्छर मारने का रैकेट उसके पास 5000 का भी होगा और वो 50 रुपये का भी है उसके पास, डिपेंड करता है आपको क्या खरीदना है, हमने एक ही वैरायटी के 1000 क्वालिटियाँ बना रखी है, क्लियर। तो जैसे अगर अच्छी क्वालिटी का रबर यूज़ करके वो बच्चों के खिलौने बना रहा है, ठीक है, तो ज़्यादा महंगे मिलेंगे और रईसों के बच्चे खरीदेंगे, और अगर घटिया रबड़ वाला है जो हमारे पास पी पी पू करने वाले जो अलग अलग क्वालिटी देखे होंगे ना आपने, तो ये सब चीज़ें हैं चाइना की। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे क्योंकि वहाँ से उनके सिक्कों पे पशुपति की मूर्ति निकली है। सिंधु घाटी सभ्यता एक अनिवार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी, लोथल गुजरात में स्थित है और एक बंदरगाह था। प्रतिजैविकी मतलब पेनिसिलिन क्या है, प्रतिजैविकी है, ठीक है, कवक से बनता है। कंपाइलर एक उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में रूपांतरित करने वाला प्रोग्राम है। समझ में आता है किसी को? ये दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, कंपाइलर होता है एक असेंबलर होता है, ठीक है। अब होता ये है कि आप समझते हैं ABCD, आप समझते हैं कख गण, आप समझते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसके अलावा और कुछ समझते हैं क्या आप? कख गण, ABCD, 1 2 3 4, और कुछ भी समझते हो? कोई और सिंबल? प्लस माइनस गुणा भाग, है ना, और क्या समझते हो? समझ गए ना? बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ लेते हो, पर कंप्यूटर क्या भावनाएं समझता है? नहीं, नहीं समझता, इमोशनल नहीं है। कंप्यूटर आपका प्लस माइनस गुणा भाग भी नहीं समझेगा, कंप्यूटर आपका 1 2 3 भी नहीं समझेगा, कंप्यूटर समझेगा केवल 0 और 1, ठीक है। अब वो 0 1 में आपको कंप्यूटर को बताना है तो आप कितनी बार 0 1 0 1 करके लिखोगे? आपको अगर ए भी लिखना तो 1 0 0 0 1 1 0, ठीक है, आपको अपना नाम भी लिखना तो आप 1 0 कोड याद नहीं रख पाओगे आप। तो इंसान और मशीन की सहूलियत के लिए हमने यहाँ पे लैंग्वेजेस बनाई, ठीक है, कुछ लैंग्वेज बनाई हमने बेसिक लैंग्वेज, एक बनाई हमारे हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो बेसिक लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज, 3 प्रकार की लैंग्वेज होती है। बाइनरी लैंग्वेज सबसे घटिया लैंग्वेज होती है जो कि 0 1 वाली होती है, जो केवल कंप्यूटर समझता है। बेसिक लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो बृहद होती है और थोड़ी सी हाईली एडवांस नहीं होती, ठीक है, जैसे ओरेकल हो गई, पास्कल हो गई, इस प्रकार की, ठीक है। फिर हमने हाई लेवल लैंग्वेज बनाई C++, जावा, ठीक है, बड़ी बड़ी VB.NET जैसी बड़ी चीज़ें। अब कंप्यूटर समझेगा क्या? 0 1, और आप समझोगे क्या? हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब होता ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज भी आपको ठीक से समझ में नहीं आएगी, आपको तो बोलना चलना आता है। आप आपके कंप्यूटर प्रोग्रामर को बोलोगे साहब कि मुझे एक ऐसी डिवाइस बना के दे दो जो 2 + 2 = 4 कर दे, कैलकुलेटर बना दो। उसने एक प्रोग्राम लिखा, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में, और उस हाई लेवल लैंग्वेज को लिखने के लिए जो उसने C Turbo का यूज़ किया, एक प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म का, उसके पीछे कोड चल रहा है। वो यहाँ पे लिखता कुछ है, हैश इंक्लूड लिखा, SDIO लिखा, कोनियो लिखा, इंट फ्लोट ऐसा करके लिखा उसने, और उसकी स्क्रीन के पीछे चल रहा है 0 0 1 1 0 1 0। वो सॉफ्टवेयर खुद ब खुद कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पे उसने उस प्रोग्राम को जब पूरा लिख दिया तो उसको कंपाइल करेगा, कंपाइल मतलब देखेगा इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है। तो जैसे उसको F5 करके कंपाइल करेगा तो वो देखेगा एरर आ गई। तो कंपाइलर क्या करता है, प्रोग्रामिंग भाषा में जो लिखे हुए प्रोग्राम होता है उसको एक साथ पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक कंपाइल करता है, जिस भी लाइन में प्रॉब्लम आती है वहाँ रुक जाता है, नहीं आई तो आगे बढ़ जाएगा। पूरे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं आई तो उसे बोले हाँ ठीक है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, प्रोग्राम परफेक्ट हो गया। फिर आप उसकी एग्जीक्यूटिव फाइल बनाओ EXE, और वो EXE फाइल आपको मिल जाएगी, आप उसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करो और आप EXE फाइल का एंजॉय करके आपका कैलकुलेटर आपके कंप्यूटर में आ गया। आप कैलकुलेटर में 2 + 2 = 4 कर लो। अब आप 2 + 2 = 4 करोगे तो ये आपकी
जो नॉर्मल भाषा है वो कंप्यूटर क्या समझेगा, वो वाली। तो ये जो है कंपाइलर, कंपाइलर ने उच्च स्तरीय भाषा को जो सी सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग भाषा थी उसको काय में कन्वर्ट करा मशीनी भाषा में, ठीक है। तो यहाँ पे उसने एक सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जिसका नाम है कंपाइलर। मैंने एक और वर्ड किया था इंटरप्रिटर। पहले क्या होता था, हाई लेवल लैंग्वेज को इंटरप्रिटर के माध्यम से किया जाता था। इंटरप्रिटर, प्रोग्रामर ने एक लाइन लिखी, ठीक है, राम जाता है, उसने उसको इंटरप्रिएट करा और उसको 0-1 में कन्वर्ट कर दिया। लाइन बाय लाइन काम करता है इंटरप्रिटर, लाइन बाय लाइन काम करता है, और कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ, आपने 1000 लाइनें लिखी है कंपाइल कर दो, एक ही बार में हो जाएगी। पर आपको इंटरप्रिटर करना है तो आपको 1000 बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इंटरप्रिटर पुराना था, उसे कंपाइलर आ गया। कंपाइलर कुछ नहीं करता है, मतलब जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है सी सी प्लस प्लस वाली जो प्रोग्रामिंग भाषा अगर आप सीख लो तो उसको क्या कर देगा, मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। कुछ कुछ तो समझ में आया होगा और कुछ कुछ ऊपर से निकल गया होगा, पर उम्मीद है। हाँ, स्टेनोग्राफर तो टाइपिस्ट होते हैं, वो कुछ नहीं करते, वो शॉर्ट हैंड होती है, वो अलग चीज़ है, वो कंपाइलर वाला काम नहीं है, वो प्रोग्रामिंग में नहीं आता है ना। वो जैसे कि अपना प्रधानमंत्री भाषण दे रहा है, आप उसके स्टेनो हो और आपको उसका पूरा भाषण फटाफट लिखना है। अब जैसे जितनी स्पीड से मैंने आपको समझाया सी सी प्लस प्लस, टाइपिस्ट होता तो वो बोल देता अरे यार क्या बोल रहा है, शॉर्ट हैंड वाला उसको लिख लेता, भगवान जाने वो क्या करता, अपन ने कभी देखा भी नहीं। वो कोर्ट में रहते हैं, वो ऊपर जज बोलता है, नीचे बोलता नहीं, वो तो टक 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 तो करते रहते हैं, पर वो साइन सिंबल क्या होता है, नहीं पता क्या होता है, जैसे तरंग कल भी है, हां उसमें सिंबल होता है, एक डंडी लेते हैं सर, हां हां मेरे को कमल लिखना है सर, कमल को क म पूरा लिखना है, उसको कैसे बनाएगा, उसको म ऐसा रहेगा, उसे ऐसे ले जाएगा। अच्छा, मतलब कि गंदी लैंग्वेज लिखनी कुल मिला के साइन रहता है, इसकी साइन वाली लैंग्वेज लिख दो तो वो अलग अलग वर्ड्स के अलग अलग साइन होते हैं, ठीक है। फिर इसको डिकोड कर लो बाद में और आपका पूरा भाषण आपके पास रेडी है, क्लियर। मतलब पेन कम उठाना है उसमें। तो ये हो गया आपका इंटरप्रिटर और कंपाइलर, ठीक है। तो कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। असेंबलर भी होता है एक, असेंबलर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, याद रखना, असेंबलर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, इसमें चूना होता है, सिलिका होती है, एल्यूमिनियम होता है, मैग्नीशिया होता है। फोटोग्राफी में फीचर्स के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। भारत में सर्वाधिक मुद्रा कैसे करते हैं, अपन ईंधन तेल पर खर्च कर देते हैं। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब आयात निर्यात अधिक हो जाता है, गड़बड़ा जाता है मार्केट। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ी गई तो क्या कहते हैं इसको, भाव चित्रात्मक, लिख लो भाव चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। नगरीय इसलिए क्योंकि यहाँ पे नगर मिले हैं, ग्रामीण इसलिए क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं मिला। विश्व के मानचित्र में सर्वप्रथम निर्माता एनैक्सिमेंडर थे जो यूनान के थे। राजाओं के देवी अधिकारों के समान राजत्व का सिद्धांत, ये बहुत काम की चीज़ है, राजत्व का सिद्धांत, ठीक है। प्रतिपादन करने वाला पहला मुस्लिम था बलवन, बलवन ने तुर्गाले चहल गाने को भी नष्ट कर दिया था। ऐसा होता है, ऐबक आया, ऐबक के बाद इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश के बाद रजिया बनी, रजिया के बाद दो चार लोग और बने और इन सबको हटाने के बाद बलवन बन गया, ठीक है, पावरफुल आदमी था। बलवन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसका मुंह लगभग 3 फीट का था, ऐसा 3 फीट का मुंह नहीं था, ये बहुत बड़ी दाढ़ी रखता था और बहुत बड़ा मुकुट पहनता था तो एक बड़ा भारी मुंह। इसके बाद इसके जो कपड़े थे बहुत ही भव्य थे, बहुत बड़े बड़े आर्मर वाले कपड़े पहनता था एकदम, देखा होगा ना पुरानी पिक्चरों में, और वो बड़ा सा पीछे पुचंडी चलती थी इसकी, वो है ना वैसा वाला। तो ये अपने आप, और ये अपने दरबार में दो प्रकार की चीज़ें कराता, सजदा और पेबोस, कोई भी आएगा इसके आगे राजा जी झुकेगा, आप महान है साहब, और इसके पैर का अंगूठा चुभेगा, दाहिने पैर का अंगूठा, ठीक है, जिसने नहीं चुमा, ठीक है। तो ये है सजदा और पेबोस, ठीक है, और इसी ने नरोज त्यौहार भी शुरू किया था, पारसियों वाला नरोज त्यौहार। न्याय की कुर्सी, ठीक है, या न्याय की जंजीर जहांगीर ने स्थापित की थी। अंत्योदय, अंत उदय, अंत तक का उदय, अंत्योदय, ठीक है, अंतिम व्यक्ति तक का उदय, किसने कहा था, जयप्रकाश नारायण का विचार था। क्राइस्ट,
ठीक है, जन्म कहाँ पे हुआ था? बेबीलोन में हुआ था। एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है साहब? 4 मिनट। भूलोगे तो नहीं अब तो ये? चलो बाकी कल पढ़े, संडे। हाँ कल बताओ, छुट्टी करेंगे।